आज का जो हमारा जनरल करेंसी कन्वर्टर है, इसे करेंसी कन्वर्टर ऐप का सबसे पहले हमें खरीदते हैं यहाँ पे कन्वर्टर। आई थिंक स्क्रीन में से नहीं हो रही। ऑडियो क्लियर नहीं है। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है आपके स्क्रीन में? बता दें जो मैसेज करते हैं, स्क्रीन शेयर हो रही है? एक नक्शा खींचते हैं कि आज हमें बनाना क्या है। बेसिकली हमने बनाना है करेंसी कन्वर्टर है। इस ऐप में होगा क्या कि सबसे पहले हमें यूजर एक इनपुट देगा, जैसे आप लोगों ने गूगल पे देखा होगा, फिर यहाँ पे भेजा गूगल टू पीपीआर, वहां पे एक करेंसी देते हैं जिस करेंसी से आपने कन्वर्ट कर लो, दूसरी करेंसी से दूसरे कन्वर्ट कर लो। तो मुझे गूगल पे बताएं हमने कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे चाहिए भाई इंडियन रुपीज से पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। मैंने कहा 3 इंडियन रुपीज कितने होते हैं, तो मुझे गूगल ने कहा के 10 पाकिस्तानी रुपीज होते हैं। कुछ इस किस्म का ही नाम लिखा है, उसी आएगा इस पे होगा। हम कमांड लाइन को यूज करके वेब बनाएंगे। अच्छा, तो ये कुछ नहीं बनाना है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपको बता दें, ये एक 100% फील्ड होगी। सजेस्ट यूजर लिखेगा कि उसको किस करेंसी से कन्वर्ट करना है। हमारे पास एक सेकंड इनपुट फील्ड हो जिसमें यूजर लिखेगा कि किस करेंसी ये क्यों होती है। हमारे पास इनपुट फील्ड है जिसमें होगा कि कितने हमें इन्वर्ट करेंगे, तो फिर क्यों हम इनपुट फील्ड की बेस पे हम काम करेंगे। आज के टॉपिक को, आज के प्रोजेक्ट को बनाने से पहले कुछ टॉपिक्स जिनको क्लियर करना जरूरी है, जो कि हम यूज करेंगे आज के प्रोजेक्ट में। जैसे मुझे चैट पे बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिनको चालीस करके प्रोजेक्ट के बारे में पता क्या होता है। काशा, ये वॉइस का शायद इशू आ रहा है। मैं समझा कि मेरे प्रॉब्लम है। मैंने दूसरी स्ट्रीम पे भी ऑन करके देखा तो स्टूडेंट के मैसेजेस भी आ रहे होंगे। आपने देखा है कि वॉइस आपकी शायद थोड़ी डिस्टॉर्ट आ रही है। बस हस्सा है वहां पे, लेकिन जो अपना माइक ऑन कर हफ्ता मीटिंग में ना वो वॉइस ऑन करें, अपना बताएं कि उनको वॉइस सही आ रही। सर प्लीज ना माइक ऑन करके बताना वॉइस क्लियर है या नहीं। अब साउंड सर भी कोई भी होते हैं। जी वॉइस नहीं आ रही, उबैद क्लियर नहीं है। भी, अच्छा उबैद भी है ना सर, उबैद को अनम्यूट कर लेते हैं। क्यों आ रही है, क्या मसला चल रहा है? अच्छा कश्यप भाई, आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं है। क्लियर आ रही है आवाज?
नहीं थोड़ा सा अभी भी इंटरप्ट कर रही है आपकी वॉइस, है ना, थोड़ी सी अभी भी इंटरप्ट कर रही है। No problem. सब बताएं, क्लियर है बस? ये सब बेहतर है। ओके शो भाई, सब मतलब आवाज ठीक आ रही है या क्या हो रहा है? नॉइस आ रही है, क्या हो रहा है? यार थोड़ी कट कट के आ रही है और थोड़ा इंटरप्ट भी कर रही है आपकी वॉइस। मेरे ख्याल से वाईफाई इशू है या तो थोड़ा सा आपका। नहीं, मुझे हैंड फ्री का इशू लग रहा है। ये जो ब्लूटूथ यूज करते हैं मेरे ख्याल में ना, काश भाई कोई वायर्ड वाला लगा ले ना, और उससे बात करके देखें, वायर्ड वाला हो कोई अगर रखा हुआ है, हैंड फ्री तार वाला अगर तो भी है। अवेलेबल तो नहीं फिर पूछती। बहुत सोचा खराब आ रही है आवाज से। नहीं अभी भी थोड़ा इंटरप्ट कर रही है आपकी आवाज काशाई। पहले आप थोड़ी देर कोई बात कर रहे हैं, मैं देखूँ आपकी आवाज़ कैसे अच्छा जो है, हेलो चेक करने के लिए। माइक टेस्टिंग, माइक सर मुझे 2 मिनट टेस्टिंग। दीजिए सर। ओके काशाई। अच्छा आज के जो हमने प्रोजेक्ट बनाना है वो करेंसी कन्वर्टर हम लोग ने, अकाशा भाई ने बनवाना है, जिसमें बेस हमारी कुछ इस टाइप से होगी कि यूज़र एक हमारे पास आएगा, वो हमें जो है अपनी, सबसे पहले अपनी करेंसी बताएगा कि उसके पास कौन सी करेंसी है। जस्ट लाइक वो हमें बता सकता है कि PKR है, डॉलर है, यूरो है, उसको हम इस तरह से उससे इनपुट लेंगे। वो हमें अपनी करेंसी बताएगा, देन फिर उसके बाद वो हमें अपनी दूसरी करेंसी बताएगा। जस्ट लाइक मुझे PKR से डॉलर में कन्वर्ट कराना है, वो अपनी इस तरह दूसरी करेंसी बताएगा। फर्स्ट करेंसी उसकी वो करेंसी होगी जो उसके पास जिस करेंसी को कन्वर्ट कराना चाह रहा है, दूसरी करेंसी वो होगी जिसमें वो कन्वर्ट कराना चाह रहा है। एंड देन फिर उसके बाद जो है हम उसको कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास पीछे लॉजिक लगी हुई होगी, जो भी हमारा रेट बनता है, जैसे डॉलर को जो है PKR में कन्वर्ट करेंगे। देन फिर उसके बाद जो है हम उसको जो है अमाउंट उसका जो भी होगा वो उसको शो करा देंगे। क्लियर है आज का हमारा जो एजेंडा है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसका एजेंडा है हमारा, आप लोग को क्लियर है? जी यस काशव सर। भाई, इसकी आवाज़ तो काफ़ी बेहतर है अगर की अभी आप देखें अब आप अपने। रिपीट कर दें। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा अकाशा भाई का, अकाशा भाई की माइक सेट हो जाए ना, देन फिर उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं, तो आगे फिर उस हिसाब से चलते हैं हम लोग। आवाज सही आ गई है। थोड़ी बेहतर हुई हो काशा भाई, अब आपकी आवाज़ थोड़ी सी बेहतर हो गई। काशा कंटिन्यू करें, 2-4 मिनट हम उसकी आपकी पूरी वॉइस सुनेंगे ना, जब तक तो कुछ बोले और फिर आपको बताते हैं। ठीक है। अच्छा आपको तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है करेंसी कन्वर्टर। लेकिन उससे पहले हमने कुछ चीजें जो है वो क्लियर की है, जिसमें जावास्क्रिप्ट के अटेंड शीट पे कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, तो हमने पहले वो कवर करना है, उसकी बेस पे हम लोग आगे चीजें लेके चलेंगे। अच्छा मैंने क्वेश्चन किया था कि कितने लोग हैं जिनको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में पता है। अच्छा उकाशा, मैंने माइक सब पे ना म्यूट किया हुआ है, थोड़ा स्कोर से म्यूट कर सकते हैं।
अब वो यहाँ तो चैट में बताएंगे आपको स्टूडेंट्स, या देखिए वो हैंड रेस करके बताएंगे। ओके सर, देखिए सबसे पहले हम लोग जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को हेडर से पूछ दे देते हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं। सर हमारे सबसे पहला काम करना है कोई भी प्रोजेक्ट बनाना या फोल्डर क्रिएट करना। तो यहाँ पे आते हैं सिंपली, हम फिर से आ सके क्या है, करेंसी कन्वर्ट फोल्डर क्लिक करते हैं। इसमें एक बार दोबारा सुनवाइज कर रहा हूँ ईच लैंग्वेज है, ताकि सर उस प्रोग्राम को जुड़ने क्या करना है, टर्मिनल में ओपन करना है उस फोल्डर को। टर्मिनल में ओपन करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे जाके CMD। मेरा तो काशा भाई अभी भी आपकी आवाज़ जो है ना क्लियर नहीं आ रही है, चैट भी यही कह रहे हैं। सेकंड सर्विस से एग्जाम पर तो हम स्पीच रिमूव भी कर देता हूँ। काशी आपके साथ जो ये को होस्ट हैं हफ्सा, अगर वो करवा सकती हैं तो उनको दे दें, या उबैद को, अब अगर आप आवाज ऐसा क्लियर आ करते रही हैं, है? या आप अपना माइक चेंज कर लें कोई। अब आवाज क्लियर है? जी ये बिल्कुल क्लियर थे अभी लास्ट में जो आपने पूछा। अच्छा, अब मैंने ना जी अब हैंड क्लियर है। ईयरबड्स रिमूव कर दिए हैं, हेलो, अब क्लियर है ना? अब बता दें। ओके यस क्लियर है काशा भाई, अब बिल्कुल सही है। चले, डन है। अच्छा तो मैं कह रहा था, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं चीज़ों को, सब कुछ रिमूव करते हैं। देखिए, हम जब भी टाइप स्क्रिप्ट की बात करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट के किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, सबसे पहले हमने बनाना होता है एक अलग फोल्डर। हम यहाँ पे जाए, न्यू फोल्डर का कोई भी नाम रखना होता है, तो मैं कह रहा हूँ करेंसी कन्वर्टर, ये मेरे फोल्डर का नाम है। अब इस फोल्डर को ओपन करना है। अच्छा, अब इस फोल्डर को हमने VS कोड में ओपन करना है, उससे पहले हमें इसको टर्मिनल में ओपन करना है। तो इस फोल्डर को टर्मिनल में ओपन करने की कमांड है CMD। आपको यहाँ पे टॉप पे एक सर्च बार दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक करें। अच्छा, मेरा विंडोज 11 है, किसी का विंडोज 10 होगा, तो सर्च बार हर किसी में सेम होता है। तो आपने यहाँ पे जाना है, ये जो भी टेक्स्ट लगा हुआ है इसको रिमूव करना है, कट करना है। यहाँ पे लिखना है CMD कि इस फोल्डर को टर्मिनल में ओपन करो। अच्छा, मैं साथ साथ चैट भी देख रहा हूँ, तो क्लियर है अभी तक तो काशा भाई, ओके आप मूव करें आगे। चले। अच्छा, अब इस फोल्डर को हमने टर्मिनल में ओपन करना है, तो मैंने लिखा CMD, ये मेरा प्रोजेक्ट या फोल्डर टर्मिनल में ओपन हो गया। अच्छा, अब इसको मुझे VS कोड में भी ओपन करना है, तो जल्दी से बता दें क्या कमांड है VS कोड में इस प्रोजेक्ट को ओपन करने की, चैट में बता दें। कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट का क्या करता है कि आपकी करंट डायरेक्टरी या करंट फोल्डर जो भी इस टर्मिनल में ओपन है उसको VS कोड में ओपन कर देता है। तो हमने ये कमांड लिखी तो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट या फोल्डर VS कोड में ओपन हो गया। अच्छा, अभी तक क्लियर है सब चीज़ें? ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, हम स्टार्ट से लेते हुए चल रहे हैं। अच्छा, अब मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ, ये मैं सारा सेटअप अभी कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट सेटअप, ताकि इसके बाद हम चीज़ों को फर्दर मूव करेंगे। एंड आई होप कि ये वाले सेटअप आपने पहले भी जितने प्रोजेक्ट्स वगैरह बने हैं उसमें भी किए होंगे। तो
कॉन्फ़िगरेशन फाइल में स्टार्ट में बना लेता हूँ। टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है, क्या कमांड है? टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है तो क्या कमांड है? TSC माइनस माइनस इनिट। कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन गई। अब हमें बनानी है नोड जेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये पैकेज की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है। अगर सिंपल कहें तो पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनानी है, क्या कमांड है? npm init। अच्छा, अब npm init के साथ सबसे पहले तो npm init लिख के देखते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछेगा हमारे से कि आपने जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं नोड जेएस का प्रोजेक्ट, उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दें। सबसे पहले पूछ रहे हैं पैकेज का नाम। अच्छा, यहाँ पे अभी के लिए हम लोग हर चीज़ को यस यस करते हैं, सिर्फ इंटर प्रेस करें, आप जस्ट इंटर प्रेस करें और कुछ नहीं करें। जो भी सवाल पूछ रहे हैं इंटर प्रेस करते जाएं, वो आपके लिए एक अदद कॉन्फ़िगरेशन फाइल पैकेज डॉट जेसन की फाइल बना देगा। वो कह रहा है कि इज़ दिस ओके? मैंने कहा भाई ओके डन। यहाँ पे आप देखें आपके पास एक पैकेज जेसन की फाइल बन गई। नहीं, काशिप अब ये भाई, दो ये फाइल्स बहुत कर, लंबा नहीं हो गया कि हम एंटर 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 करे जा रहे हैं? ये थोड़ा अच्छा लंबा लंबा तरीका नहीं गया, हो पहले गया? डिलीट करते हैं इसको, कुछ और शॉर्ट कट देखते हैं, डिलीट ठीक करते है, हैं। हर जगह शॉर्टकट चाहिए होता है ना, हमें टाइम हाँ वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हम। बिल्कुल, मैंने फाइल डिलीट कर दी पैकेज जेसन की। अब मुझे इसके सवालों के जवाब नहीं देने, मैं चाह रहा हूँ एक ऐसी कमांड लिखूँ जिससे ये मुझे खुद बना दे। npm init तक तो पहले वाली कमांड, मैंने लिखा npm init आगे स्पेस, आगे मैंने कहा माइनस फाइव। इसका मतलब है कि आप जो भी सवाल पूछ रहे हो सबको यस ही कंसिडर करो, जितने भी आपने मेरे से सवाल पूछे थे उसको सबको यस कंसिडर करके पैकेज जेसन की फाइल बनाओ। मैंने कहा ठीक है, ये देखे बगैर कोई सवाल पूछे टाइप स्क्रिप्ट सॉरी पैकेज डॉट जेसन की फाइल मेरे लिए बन गई। जो काम पहले पैकेज जेसन में था सेम काम यहाँ पे। अच्छा, अब हमने दो फाइल्स अपनी बना ली, अब हमारा मेन काम है कोडिंग करना। क्या मेन काम है? कोडिंग करना। कोडिंग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक अदद फाइल क्रिएट करते हैं। और फाइल क्रिएट करने के लिए आप लोग देख लेना यहाँ पे दो, आपको चार बटन दिख रहे हैं टोटली, जिसमें से एक है न्यू फोल्डर का और एक है न्यू फाइल का। हमने न्यू फाइल क्रिएट करनी है ना कि फोल्डर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख लें, मैंने कहा इंडेक्स डॉट टी एस। डॉट टी एस का मतलब मेरी फाइल का नाम, सॉरी डॉट टी एस का मतलब एक्सटेंशन टाइप स्क्रिप्ट की। इंडेक्स मेरी फाइल का नाम, आगे डॉट टी एस का मतलब टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनने जा रही है। मैंने कहा बना दो, उसने कहा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं मुझे एक चीज बताएं जिनको पता है कि वेरिएबल में हम क्या स्टोर करते हैं और हमारे पास एरेज क्या होती हैं? ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पता हो कि ये चीजें क्या होती हैं। कितनों को पता है कि एरे क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है? डेटा, ओके, तकरीबन सबको ही पता है कि वेरिएबल क्या होता है। एरे का मोस्ट प्रोबेबली 60-70% लोगों को पता होगा। ओके अच्छा, अब यहाँ पे जो सबसे समझने वाली चीज है वो ये है कि हम वेरिएबल बनाते क्यों हैं। वेरिएबल बनाने का फायदा होता है कि हम अपने डेटा को वेरिएबल के अंदर स्टोर करें। सबसे पहला और बेहतरीन फायदा वेरिएबल बनाने का क्या है कि हम अपने डेटा को वेरिएबल में स्टोर करें। अब यहाँ पे जो टर्म आई ना डेटा, अब सारा गेम उसका है। अब हमने डेटा को समझना है डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर। ये जो मैंने बात की ना एरे ऑब्जेक्ट
ये कुछ भी नहीं है, ये डेटा है हमारे पास लेकिन डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर है। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर इमेज की फाइल बनानी है तो वो भी डेटा है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट के अंदर स्टोर है, डॉट पीएनजी, डॉट जेपेग, डॉट गिफ। पीडीएफ की फाइल बनानी है तो डॉट पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर ही वो स्टोर होगा डेटा, है डेटा ही लेकिन मल्टीपल फॉर्मेट्स के अंदर मेरा वो डेटा स्टोर हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉइस अभी भी क्लियर नहीं है, तो बताते हैं। अच्छा, उबेद बता दें वॉइस क्लियर है या नहीं। उकाशा वॉइस क्लियर है, बस कंटिन्यू करें, अब कोई ब्रेक नहीं होगा। चले बस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास डेटा की मुख्तलिफ में यहाँ पे टाइप्स लिख रहा हूँ। ये मैंने लिखा अवकाश, डेटा की टाइप। एक और डेटा में लिख रहा हूँ नंबर फॉर्मेट में 20, एक और में लिख रहा हूँ फॉल्स। ये हमारे पास सब क्या है, डेटा की टाइप। अवकाशा एक अदद स्ट्रिंग है, इसको हम नंबर कहते हैं। ये जो हमारे पास डेटा की टाइप है इसको हम बुलियन कहते हैं टाइप स्क्रिप्ट की जबान में या प्रोग्रामिंग की दुनिया में, बाकी लैंग्वेजेस भी इसको यही कहती हैं। तो एक हमारे पास स्ट्रिंग हो गया, एक नंबर हो गया, एक अदद बुलियन हो गया। अब इस डेटा को अगर मैं एक वेरिएबल बना के स्टोर कर दूं, मैंने लिखा लेट माई नेम इज इक्वल टू, लेट माई नेम इज इक्वल टू अवकाश। ये मैंने एक वेरिएबल बना के उसके अंदर एक डेटा स्टोर कर दिया स्ट्रिंग टाइप का। तो ये हमारे पास डेटा है, क्या डेटा है, ये नाम, इसको मैंने वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अच्छा, अब आप लोगों ने अगर इंक्वायरर यूज किया है तो आप लोगों को एरे के बारे में भी पता होगा। ये लास्ट जो हमारा प्रोजेक्ट था आई थिंक टू डू ऐप था, तो टू डू ऐप के अंदर भी आप लोगों ने एरे को वाइडली यूज किया है। एरे क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाए कि हमें एक ही टाइप का डेटा, मिसाल के तौर पे एक ही तरीके का डेटा, उसको स्टोर करना। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक क्लास है, क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स बैठे हैं, अब मुझे हर स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है। पहला तरीका तो ये कि लेट स्टूडेंट वन इज इक्वल टू अली, लेट स्टूडेंट टू इज इक्वल टू उमर, लेट स्टूडेंट थ्री इज इक्वल टू आमिर, कुछ भी वट एवर जो भी नाम है। अब मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ एप्लीकेशन बना रहा हूँ क्लास के लिए, तो स्टूडेंट्स का डेटा मैंने इस तरीके से स्टोर कर लिया। एक तरीका ये था कि हर स्टूडेंट के लिए वेरिएबल बनाते जाओ, वेरिएबल बनाते जाओ। अब कितने वेरिएबल बनाऊंगा भाई मैं, कितने वेरिएबल बनाऊंगा, जितने स्टूडेंट होंगे, अगर कोई एडिशन स्टूडेंट आएगा तो उसके लिए अलग वेरिएबल बनाओ, तो ये मेरा कोड बिल्कुल देखने में भी गंदा हो जाएगा, कितने सारे वेरिएबल्स बनाए हुए आपने। ओके अच्छा, स्क्रीन जूम करता हूँ तो कर देते हैं, आई होप अब क्लियर होगी। अच्छा, तो ये मेरे पास कुछ स्ट्रिंग किस्म का डेटा था। अब मुझे स्टूडेंट्स के नाम के साथ साथ उनकी एज या रोल नंबर भी स्टोर करने हैं, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा लेट एस टी डी वन नेम, सॉरी एज। अब मैं इनके नाम के साथ साथ इनकी एज भी स्टोर करूँगा, लेट एस टी डी टू एज। तो मुझे इस तरीके से काम करना पड़ेगा अगर हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल के अंदर सिंगल किस्म का डेटा स्टोर करने के लिए जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसको लेके चलें। ये तरीका हमारे पास उस वक्त तक सही है जब तक हमारे पास कोई एक किस्म का डेटा हो। मिसाल के तौर पे पाई की वैल्यू स्टोर करनी है, हमारी एप्लीकेशन में यूजर का नाम स्टोर करना है, हमारी एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसा काम करना है जो कि एक से दो बार हो रहा हो। मिसाल के तौर पे एक थीम का कलर स्टोर करना है, थीम के कलर के साथ साथ फॉन्ट साइज स्टोर करना है। तो इस काम के लिए तो हमारे पास
इस किस्म के डेटा बेहतरीन है, इस किस्म के डेटा को यूज करो और स्टोर कर लो। लेकिन अब मेरे पास, जैसे मैंने बात की कि मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स का नाम स्टोर करना है, उसके लिए मेरे पास सिंपल डेटा वेरिएबल्स में स्टोर करना ये अप्रोच बेहतर नहीं है। तो उसके लिए हम सेकंड डेटा टाइप को देखते हैं कि एक अलग डेटा टाइप है हमारे पास, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, इनको हमने देख लिया। अब एक अलग डेटा टाइप है जिसको हम कहते हैं एरे। एरे बना के मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर लो। अच्छा, अब एरे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लगाने होंगे दो स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कि अब आपका एरे की बाउंड्री शुरू होगी। अब इन स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में आप मल्टीपल स्टूडेंट्स के नाम स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने फर्स्ट स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है। स्टूडेंट का नाम किस फॉर्मेट में आता है? स्ट्रिंग में। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे लिख दो अली। अब मुझे एक और स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है। अब मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब मेरा डेटा पूरा का पूरा एक अदद एरे है। मैंने कहा सेकंड का करना है, सेकंड का कर दो, यहाँ पे लिखो आमिर। अब मजे की बात यह है कि जब भी हम एरे के अंदर बात करते हैं, एरे के एलिमेंट्स या एरे के अंदर जितनी भी हम चीजें स्टोर कर रहे हैं, उनको हमें हमेशा सेपरेट करना होता है कॉमा से। मैंने एक एलिमेंट स्टोर किया, फिर अगर दूसरा करना है तो कॉमा से सेपरेट करना जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोग एरे के अंदर डेटा स्टोर करते हैं। अच्छा, अभी तक एक मसला है कि मेरे पास एरे बिल्कुल ऐसा ही पड़ा जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल इस तरीके से नाम लिख दिया। ये भी एक डेटा है हमारे पास, ये भी एक डेटा है। अभी तक ये डेटा हमारे पास यूजफुल नहीं है। तो डेटा को यूजफुल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मुझे बताएं, डेटा को यूजफुल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस डेटा के साथ क्या करें? स्टोर कर दें कहाँ पे? वेरिएबल्स के अंदर। इस डेटा को हम वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। मैंने कहा लेट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू आगे हमारा डेटा, मल्टीपल डेटा है, मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा है, तो इस तरीके से स्टोर कर लें। अच्छा, एक मिनट प्लीज होल्ड कर लें। अच्छा उबेद, आप इसको एक बार रिवाइज करवा दो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा सॉरी, वो अच्छा कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम यहाँ प्रोजेक्ट बनाने आए थे, तो ये क्या हो रहा है? अच्छा देखिए, मैं जस्ट कुछ चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ और एक ऑब्जेक्ट का नया टॉपिक है उसको कवर करके देन इंशाल्लाह हम प्रोजेक्ट ही बनाएंगे। इन चीज़ों को हम जल्दी से वाइंड अप कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास एक किस्म का डेटा था कि अगर मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करने हैं तो मैं इस तरीके से एरे बना के कर लूँगा। और आप लोगों को पता है कि एरे की प्रॉपर्टीज को गेट कैसे करते हैं? स्टूडेंट्स और आगे उसका इंडेक्स नंबर, ये स्टूडेंट्स आगे उसका इंडेक्स नंबर। अच्छा, अब मेरे पास डेटा इस टाइप का भी नहीं है, ना मेरे पास प्रिमिटिव डेटा है, मतलब एक स्टूडेंट का नाम, उसकी एज, या उसका कोई कोई भी और इस किस्म का डेटा जो कि प्रिमिटिव हो। अब हमारे पास ऐसा केस नहीं, ना हमारे पास कोई ऐसा केस है डेटा हमारे पास ना ऐसे टाइप का है कि हम उसको एरे के अंदर स्टोर कर सकें। मिसाल के तौर पे पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के नाम, अब डेटा ऐसा भी नहीं है हमारे पास। मतलब ना हम सिंपल ऐसे स्ट्रिंग वगैरह यूज कर सकते हैं, ना हम लोग एरे को यूज कर सकते हैं, तो क्या यूज करें?
अब हमारे पास जो डेटा है उसमें हमें एक स्टूडेंट का नाम भी स्टोर करना है, उसकी एज भी स्टोर करनी है, उसका रोल नंबर भी स्टोर करना है। हमने एक चीज पढ़ी थी, तरीके से नहीं करेंगे, बिल्कुल ये बेस्ट अप्रोच नहीं है। लेट स्टूडेंट वन नेम, फिर लेट स्टूडेंट, अच्छा अब इस तरीके का काम करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में जो डेटा यूज होता है या जो डेटा टाइप यूज होती है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लगाने होते हैं कर्ली ब्रैकेट। अच्छा ये ऑब्जेक्ट की बात करूं, एरे की बात करूं, सिंपल स्ट्रिंग की बात करूं, सिंपल नंबर की बात करूं, बुलियन की बात करूं, ये सब हमारे पास डेटा है, डिफरेंट टाइप का डेटा है। अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जरूरी आपने लगाने हैं कर्ली ब्रैकेट। अच्छा अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने की वैल्यू पेयर की सूरत में अपना डेटा स्टोर करना है। मिसाल के तौर पे मुझे स्टूडेंट का नाम चाहिए, मैंने लिखा नेम, अब मैंने बीच में लगाया कॉलन, कॉलन लगाने के बाद मैंने नेम स्टोर किया काश। अच्छा इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट की एक अदद प्रॉपर्टी, मैंने ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी बना ली जिसके अंदर की है नेम और वैल्यू है काशा। की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए बीच में हमने लगा दिया कॉलन। अब मुझे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है या मल्टीपल प्रॉपर्टीज स्टोर करनी है, तो मैंने कहा भाई बीच में लगाओ कॉमा, आगे चलो क्या स्टोर करना है, मैंने कहा नेम एज स्टोर कर, तो यहाँ पे मैंने लिखा एज, कॉलन लगाया, आगे मैंने अपनी एज लिखी। अच्छा अभी एक एरर आएगा उसको हम देखते हैं बाद में, अभी के लिए इसको देखें जस्ट। मैंने लिखा नेम, नेम स्टोर कर दिया। अच्छा अब ये भी हमारे पास एक किस्म का डेटा ही है, इस डेटा को यूजफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेटा को यूजफुल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस डेटा के साथ क्या करना पड़ेगा। अच्छा कमेंट्स नहीं आ रहे, मैं कमेंट देख रहा हूँ कैसे चैट। कमेंट बंद किए थे, कहे तो ऑन कर दूं, क्योंकि वो स्टूडेंट कह रहा था कि बहुत ज्यादा चैट शुरू हो गई थी कि कोड समझ नहीं चले आ रहा ठीक है, है नो क्यों प्रॉब्लम, चैटिंग चले हो रही है। तो कोई नहीं, आप इस किस्म के जब डेटा को कहेंगे ना, मैं स्टोर ऑन करके करने, फिर कमेंट्स ले लेंगे। चले अभी ले लें, एक मिनट एक सवाल है, क्वेश्चन ये है कि ये भी हमारे पास एक किस्म का डेटा है, इस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैंने पहले बात कही थी सेम वही है, जस्ट एक बार बता दें। अच्छा कमेंट्स नहीं आ रहे तो चले कोई नहीं, इस डेटा को स्टोर करने के लिए भी हमें कोई भी वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल बनाना बहुत सिंपल है, लेट स्टूडेंट, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख ले, मैंने लिखा स्टूडेंट डेटा इज इक्वल टू के बाद हम स्टोर करते हैं कोई भी डेटा, किसी भी किस्म का डेटा। तो इस केस में मैंने अपना डेटा स्टोर कर दिया पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक किस्म का डेटा है, तो मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया। जहां तक क्लियर है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। अच्छा कमेंट ऑन ओपन हो गए तो आप लोग जल्दी से बता दें। ओके ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ऑब्जेक्ट को डेटा के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया ताकि ऑब्जेक्ट हमारे पास यूज हो सके। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, यहाँ पे मुझे यूज करना है, कंसोल के अंदर यूज करना है, तो क्या करूँगा। ऑब्जेक्ट की नेम नाम की प्रॉपर्टी को मैंने यूज करना है, क्या करूँगा। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट डेटा डॉट, आगे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं नेम और एज का, क्या करना पड़ता है स्टूडेंट डेटा, जिस भी वेरिएबल के अंदर आपका ऑब्जेक्ट स्टोर है। अच्छा जहाँ जो डेटा हमारा वेरिएबल में स्टोर होता है तो हम उसको वही कहते हैं, मिसाल के तौर पे
अब इसको मैं वेरिएबल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट है ये, स्टूडेंट डेटा नाम का मेरे एक अदद ऑब्जेक्ट है। अगर इसके अंदर कोई भी एरे स्टोर हुई होती तो मैं कहता कि स्टूडेंट डेटा नाम की एक अदद एरे है। अब यहाँ पे स्टूडेंट डेटा नाम का जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी नेम नाम की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना, तो उसका सिंपल तरीका है कि आप स्टूडेंट डेटा लिखें यानी ऑब्जेक्ट का नाम, उसके साथ लगाएं डॉट, डॉट के आगे आप उसकी कोई भी प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है नेम को, तो मैंने कहा स्टूडेंट डेटा डॉट नेम। स्टूडेंट डेटा वेरिएबल का नाम है या ऑब्जेक्ट का नाम है, आगे डॉट नेम। डॉट नेम का मतलब कि नेम नाम की प्रॉपर्टी को उठा के यहाँ पे ले आओ। अच्छा, ये तरीका था हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का। अब आसान हो गया ना, एक ही वेरिएबल बनाया उसमें मल्टीपल डेटा स्टोर कर दिया। मिसाल के तौर पे आगे चल के मुझे रोल नंबर भी स्टोर करना है, तो मैंने लिखा रोल नंबर, कॉलन लगाया, आगे मैंने लिखा ABC 1 2 3 4, ये मेरा रोल नंबर है, इसको भी स्टोर कर दिया। अब कुछ और आगे चल के एड्रेस स्टोर करना है, तो मैंने लगाया कॉमा, आगे चल के मैंने लिखा यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टीज ऐड कर रहा हूँ मैं, मैंने लिखा कराची। तो इस तरीके से मैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड कर सकता हूँ, और उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम, आगे डॉट, आगे प्रॉपर्टी का नाम। इस तरीके से मैं प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसको एक बार कंसोल करके देख लेते हैं। सबसे पहला काम है हमारा इस फाइल को जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करना, तो उसकी कमांड है TSC, आगे फाइल का नाम index.ts। जावास्क्रिप्ट की फाइल मेरी बन गई। अब इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को चलाना है, कमांड है नोड index.js। ये देखिए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मेरे पास यहाँ पे एक्सेसिबल हो गई और कंसोल में प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं। अच्छा, अब मजे की बात बताता हूँ, वो ये है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का हमारे पास एक और भी तरीका होता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का हमारे पास एक और तरीका होता है। एक तो मैंने लिखा स्टूडेंट डेटा डॉट नेम, वो तरीका मुझे कौन बताएगा? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है लेकिन डॉट वाली नोटेशन के बगैर करना है। डॉट नहीं यूज करना, बिल्कुल। काफी स्टूडेंट कह रहे हैं कि स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, चेक कर लेते हैं। मैंने लिखा स्टूडेंट डेटा, अब स्टूडेंट्स काफी सारे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, लगा दो। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद अब यहाँ पे मुझे एक अदद स्ट्रिंग ऐड करना होगा अपनी प्रॉपर्टी का नाम। ये देखें, यहाँ पे मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट और मैंने लगाया डबल या सिंगल कोट, मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। वो कह रहे हैं नेम को एक्सेस करना है, एड्रेस को करना है, इसको करना है, रोल नंबर होगा। मैंने कहा भाई नेम को एक्सेस करना है मुझे। तो इस तरीके से हम एक दूसरे तरीके से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। दो तरीके हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के। पहला तरीका है डॉट नोटेशन के साथ, मैंने लिखा डॉट स्टूडेंट डेटा डॉट नेम। दूसरा तरीका है स्टूडेंट डेटा, आगे लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट और आगे प्रॉपर्टी का नाम लिख दो। मैंने कहा प्रॉपर्टी का नाम है नेम, इसको चला के देखते हैं। सबसे पहले करते हैं ट्रांसफाइल, इसको रन करके देखते। ये देखिए नेम की जगह मुझे एज एक्सेस करना है, तो मैंने लिखा एज। एज भी इस तरीके से एक्सेसिबल हो गई। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है। अच्छा, ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये प्रोजेक्ट के अंदर यूज होंगी आगे चल के, अभी जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये वाला तरीका हम क्यों यूज कर रहे हैं जब हमारे पास डॉट की नोटेशन के साथ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस करने का एक तरीका मौजूद है? तो ये वाला तरीका यूज करने का क्या फायदा है? डॉट लगा के कर दें, डॉट वाली आसान है ना, डॉट लगाएं वो आपको बता देगा।
यहाँ पे किसी ने कहा है कि डायनेमिक वैल्यू को अगर करना हो, ये क्या बात कर दी किसी ने, ये किसी ने क्या बात कर दी कि डायनेमिक वैल्यू को स्टोर करना, एक्सेस करना। मिसाल के तौर पे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डायनेमिक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, अगर तो डायनेमिक से मुराद मेरे पास एक अदद, ये वेरिएबल है, लेट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू नेम। अब मुझे इस वेरिएबल की मदद से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। अब मुझे वेरिएबल का नाम, अब इसको ऐसे समझें, मिसाल के तौर पे ये प्रॉपर्टी का नाम मुझे यूजर इनपुट बॉक्स में देगा कि भाई मुझे नेम को एक्सेस करना है या मुझे एज को एक्सेस करना है। ये वाला वेरिएबल प्रॉपर्टी का नाम मुझे यूजर इनपुट बॉक्स में देगा, यूजर से मैं इसको एक्सेस करूंगा, यूजर देगा। तो इस किस्म के काम को करने के लिए हमारे पास स्क्वायर वाली नोटेशन यूज होती है। कैसे होती है? अब यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं स्टूडेंट डेटा डॉट प्रॉपर्टी, उस तरीके से तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता भाई, क्योंकि डॉट प्रॉपर्टी अगर मैं लिखूंगा तो वो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट प्रॉपर्टी को चेक करेगा, वो कहेगा कि प्रॉपर्टी नाम की कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ऐसे उस इस तरीके से चेक करेगा। लेकिन इस केस में हमारे पास प्रॉपर्टी नाम की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पड़ी हुई, तो डॉट के साथ मैं नहीं कर सकता। दूसरा तरीका है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू देने के बजाय वेरिएबल का नाम लिख लो। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, उसको अभी के लिए इग्नोर करें, यहाँ पे एनी लगा, सॉरी यहाँ पे एनी लगा के। अच्छा, ये एनी जो मैंने लगाया है ये हमारे पास वेरिएबल की टाइप डिफाइन करने के लिए होता है, तो अभी के लिए एनी लगा दें, इसकी डेप्थ में जाने की भी जरूरत नहीं है, इसको हम फर्दर क्लासेस के अंदर ऑन साइट क्लासेस में या लाइव क्लासेस में ही कवर करेंगे। तो अभी के लिए इसको एनी रखें, एनी का मतलब कि कुछ भी हो सकता है। अब मैंने अपनी वेरिएबल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का तरीका कर दिया थोड़ा सा डायनेमिक। डायनेमिक से मुराद, अब इसको चला के देखते हैं, चला के देखेंगे क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट हुआ उकाशा। अब इसको मैं चेंज करके मैं कर रहा हूं, मुझे एज को एक्सेस करना है, तो इसको चेंज करके मैंने एज लिख दिया, तो एज प्रिंट हो गई। इसी तरीके से डायनेमिकली अब मैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू यहाँ पे हार्ड कोडेड हो, ये वैल्यू यूजर मुझे इनपुट बॉक्स में भी दे सकता है कि मुझे एज को एक्सेस करना है, नेम को करना है, रोल नंबर करना है, एड्रेस करना है। तो इस काम के लिए हम लोग डॉट वाली नोटेशन की बजाय स्क्वायर वाली नोटेशन को यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। यहां तक क्लियर है तो बताएं, फिर हम आगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। ये चीजें क्लियर हैं तो बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से, इन दो चीजों को करते हैं कमेंट, भूल जाए इनको, ये क्या लिखे आप भूल जाए। ये हमारे पास एक अदद ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये बताएं कि ये ऑब्जेक्ट क्लियर है कि ऑब्जेक्ट क्या है, जल्दी से बता दें, ये ऑब्जेक्ट क्लियर है, ये ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास। अभी के लिए प्रॉपर्टी एक्सेस करना भूल जाए, सबको क्लियर है। ऑब्जेक्ट हमारे पास एक किस्म का डेटा है भाई, स्टोर कर दिया वेरिएबल के अंदर, काम सेट हो गया। उस वेरिएबल को हमने टाइप भी दे दी एनी, ये इस वजह से दी क्योंकि यहाँ पे आगे चल के हमें एक एरर फेस करना पड़ता जिसका सोल्यूशन मैं भी आपको नहीं बता सकता, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो समझने में फिर आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। अभी के लिए यहाँ पे लगाते हैं एनी। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है बहुत सिंपल है, मैंने लिखा भाई स्टूडेंट डेटा डॉट नेम, नेम को एक्सेस कर लिया, मैंने लिखा डॉट एज, एज को एक्सेस कर लिया। अच्छा, सजेशन हमारे पास नहीं आ रही, उसका रीजन है कि हमने इसकी टाइप दे दी है एनी, तो इससे घबराना नहीं है, इसका एक सॉल्यूशन प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, फिर उसको आप लोग कर लेना, फिर आप लोगों को इसकी सजेशन आना भी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन अभी के लिए इसको ऐसे ही रखें। स्टूडेंट डेटा डॉट एज एक तरीका ये है प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ऐड कर एक्सेस करने का। दूसरा तरीका है कि स्क्वायर नोटेशन के साथ एक्सेस करें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखूँ स्टूडेंट डेटा, यहाँ पे लगाऊँ स्क्वायर ब्रैकेट,
और यहाँ पे मैं अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिख दूँ, मैंने कहा नेम को एक्सेस करना है, मैंने कहा एज को एक्सेस करना है। अब ये देखिए, ये हमारे पास जो भी एज, नेम, एड्रेस, रोल नंबर, ये जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी का नाम है, ये आप देखिए स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है, तो हम इसको वेरिएबल में स्टोर करके भी तो ला सकते हैं। ये तो हमारा थोड़ा काम आसान नहीं कर देगा कि अगर हमें यूजर से इनपुट बॉक्स में प्रॉपर्टी का नाम लेना है, यूजर हमें इनपुट बॉक्स में प्रॉपर्टी का नाम देगा, हमें पता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें मिल जाएगा, तो उसी स्ट्रिंग फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पास करते हैं एक वेरिएबल में स्टोर करके, जैसे हमने यहाँ पे किया। मैंने लिखा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अंदर मैंने एक अदद स्ट्रिंग स्टोर कर दिया। अब इस स्ट्रिंग को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल का नाम देके कर दिया। अब बैकग्राउंड में क्या होगा, इस प्रॉपर्टी की जगह पे हमारे पास कुछ इस तरीके का काम हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट और ये। अब ये तो वही पहले वाला काम हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट से डायरेक्ट एक्सेस कर दो। तो स्क्वायर नोटेशन हम यूज करते हैं डायनेमिक प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए, डायनेमिकली अगर हमें कर लिए। आई होप कि अब क्लियर होगा, फिर हम आगे चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। डन, क्लियर है। अब जो हमारा सबसे पहला काम है, हमें पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग एक अदद पैकेज यूज कर रहे हैं, उस पैकेज का क्या नाम है? पैकेज का नाम है इंक्वायरर। अच्छा, अब इंक्वायरर को इंस्टॉल करने की कमांड क्या है हमारे पास? आप लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर आए टर्मिनल में, अगर कमांड नहीं याद आ रही, जहन में नहीं बैठ रही, तो यहाँ पे जाएं, यहाँ पे लिखें इंक्वायरर npm, फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके सामने एक कदर पैकेज मैनेजर खुल गया npm करके। यहाँ पे जो कमांड है npm i inquirer, अच्छा इंक्वायरर की मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये फर्स्ट प्रोजेक्ट से ही हम यूज करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल एक बटन पे क्लिक कर दें, इसको वो आपको कॉपी कर देगा। कॉपी करने के बाद आए कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, यहाँ पे लिखें npm i inquirer, या कॉपी पेस्ट करते हैं कमांड, npm i लिखें, npm install लिखें, बात एक ही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक नया चीज ऐड होगी, एक नहीं दो चीजें ऐड होंगी। वो कह रहे हैं कि फाउंड जीरो वल्नरेबिलिटीज एडिट इतने पैकेज, उसने हमारे पास पैकेज ऐड कर दिया, अगर कोई एरर होता तो यहाँ पे एरर दिख जाता। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हुई हैं। एक है पैकेज लॉग डॉट जेसन, इसको अभी इग्नोर करें, इसको भूल जाए अभी अभी के लिए। देखें नॉट मॉड्यूल क्या है, इंक्वायरर जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया है, ये हमारे पास एक बना बनाया कोड है, बना बनाया फंक्शन है, ऐसा समझें। इस फंक्शन को हमने जस्ट यूज करना है, तो जो फंक्शन का कोड है वो सारा हमारे नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर आ जाता है। अब इंक्वायरर बैकग्राउंड में पता नहीं क्या क्या यूज कर रहा है, कितने फंक्शन बने हुए, कितना सारा कोड हुआ हुआ है, वो सारा का सारा कोड हमारे पास इंस्टॉल हो गया नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर। तो ये हमारे पास पैकेज इंस्टॉल करने के बाद नोड मॉड्यूल का फोल्डर भी खुद से आ जाएगा। अच्छा जी, नोड मॉड्यूल का फोल्डर भी आ गया, मतलब हमारे पास इंक्वायरर का पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब इंक्वायरर को मुझे यहाँ पे करना है इंपोर्ट, अपनी फाइल के अंदर इंक्वायरर को मैंने एक्टिव करना है, तो उसके लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना है इंपोर्ट। अच्छा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इंपोर्ट स्टेटमेंट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अज्यूम मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? इम्पोर्ट स्टेटमेंट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वरना इसकी डिटेल में जाएंगे तो फिर और कॉन्सेप्ट निकलेंगे। आई होप कि क्लियर होगा इम्पोर्ट स्टेटमेंट। डन इट, आगे चलते हैं। हमने लिखा इम्पोर्ट, उसके बाद हमने लिखा अपना कोई भी नाम, मैंने लिखा इंक्वायरर, फिर मैंने लिखा फ्रॉम, कहाँ से इम्पोर्ट करना है, यहाँ पे मैंने अपना पाथ दे दिया। जब भी आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से एक्सेसिबल होगा। मेरे पैकेज का नाम था इंक्वायरर, ने लिखा यहाँ पे, वो इंपोर्ट कर दिया। अच्छा जी, एरर आ रहा है, एरर कितनों को पता ये एरर क्यों आ रहा है? एक एरर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे देखें रेड कलर की लाइन दिख रही होगी आपको, एक एरर आ रहा है।
वो एरर इस वजह से आ रहा है कि टाइप स्क्रिप्ट कह रहा है कि भाई आपने इनको एरर पैकेज तो इंस्टॉल कर दिया, लेकिन मुझे टाइप्स भी चाहिए होंगी, क्योंकि मेरे आने का मकसद ही ये था कि मुझे टाइप्स चाहिए वेरिएबल्स की, डेटा की टाइप चाहिए, हर चीज़ की टाइप चाहिए। तो इनको एरर पैकेज तो आपने इंस्टॉल कर दिया भाई, अब इसकी टाइप्स कहाँ है? ये देखिए आप इसके ऊपर होवर करेंगे वो आपको बता रहा है। वो कह रहा है कि इनको एरर बट इट्स वैल्यूज, अच्छा ये तो अलग पैक। वो कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन फाइल इसकी मिसिंग है। डिक्लेरेशन फाइल का मतलब होता है कि टाइप्स वाली फाइल, ऐसी फाइल जिसमें आपके पैकेज की सारी टाइप्स डिफाइन हो। अच्छा अब मुझे नहीं पता कि पैकेज की टाइप्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक अदद कमांड भी दे रहा है। वो कह रहे हैं कि आप ये ट्राई करो कुछ, उसने हमें कमांड दी है। वो कह रहे हैं कि npm i माइनस माइनस सेफ माइनस डेफ टाइप्स इंक्वायर, आप ये ट्राई करो। मैंने कहा चलो कर लेते हैं भाई। दोबारा आए टर्मिनल में, यहाँ पे कमांड को कॉपी पेस्ट करें, इंटर मारें। ओके सेम हमारे पास जिस ऊपर हुआ था सेम काम यहाँ पे हुआ, पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो गया। और पैकेज के साथ साथ आप देखें यहाँ पे रेड लाइन भी चली गई, क्योंकि अब टाइप स्क्रिप्ट को हमारी सारी की सारी पैकेज की टाइप्स मिल गई। हमने अभी अभी अभी, अभी इंस्टॉल किए हैं तो हमें मिल गई सारी की सारी। अच्छा अब एक और चीज, ये जो हमने पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं इसका कोड हमारा सारा का सारा जाएगा नोड मॉड्यूल के फोल्डर में, और हमारे पास इन पैकेज की एक अदद रजिस्ट्री कि हमारे पास पैकेज कौन सा इंस्टॉल हुआ है, किस वर्जन के साथ इंस्टॉल हुआ है, ये हमें सारा का सारा मिलेगा पैकेज जेसन की फाइल के अंदर। ये देखें यहाँ पे आपको वो बता रहा है पैकेज जेसन की फाइल में कि भैया अभी अभी आपने एक अदद इंक्वायरर नाम का पैकेज इंस्टॉल किया है जिसका वर्जन ये है। उसके साथ साथ एक और डेव डिपेंडेंसीज करके एक अदद ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, वहां पे हमें बता रहा है कि आपने अभी एक अदद टाइप्स ऑफ इंक्वायरर भी इंस्टॉल किए हैं जिसका वर्जन ये है। हमने कहा हाँ भाई ये बिल्कुल हमने अभी अभी इंस्टॉल किए हैं। तो उसने हमें यहाँ पे उसकी एंट्री करके भी बता दी कि आपके जो भी पैकेज जाएंगे। अच्छा पैकेज जो हम इंस्टॉल करते हैं होता क्या है, देखें यहाँ पे मैं जो भी कमांड लिखूंगा npm i inquirer, सबसे पहले हमारे पास पैकेज जेसन के अंदर डिपेंडेंसीज के अंदर आके यहाँ पे एक एंट्री होगी कि फलाना पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हैं इसका ये वर्जन है। सबसे पहले यहाँ पे एंट्री करेगा, उसके बाद हमारे कोड को कहेगा, पैकेज का जो भी कोड है उसको कहेगा कि हाँ अब आपकी एंट्री हो गई है, अब आप उठ के जाए नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर। तो हमारा सारा का सारा कोड नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर चला जाए। इस तरीके से आपका पैकेज इंस्टॉल होता है। अच्छा अब हमने पैकेज को इंपोर्ट कर दिया ऊपर, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। अब हमें एक काम करना है, इंक्वायरर यूज करना है, मतलब यूजर से इनपुट लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं इंक्वायरर, अब आप लिखेंगे डॉट। अच्छा एक चीज बताएं मुझे, डॉट करके हम क्या एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। तो मतलब इंक्वायरर भी एक अदद ऑब्जेक्ट होगा बैकग्राउंड में, क्योंकि मैंने डॉट लिखा वो मुझे बता रहा है कि यहाँ प्रॉम्प्ट भी है, रजिस्टर प्रॉम्प्ट भी है, रिस्टोर डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट भी है। तो मैंने कहा भाई मुझे प्रॉम्प्ट इसका एक्सेस करना है, तो उसने कहा कर लो। मैंने लिखा इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट हमारे पास एक अदद फंक्शन है, इसके अंदर हमें पास करना है एक अदद ऑब्जेक्ट। इंक्वायरर हमारे पास एक अदद फंक्शन है या मेथड है, इसके अंदर हमें पास करना है एक अदद ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें मल्टीपल चीजें देनी है। सबसे पहली चीज, अच्छा ऑब्जेक्ट को मैं पहले बता चुका हूँ तो ऑब्जेक्ट को मैं दोबारा आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और कुछ नहीं है। ये मैंने जब भी कर्ली ब्रैकेट लगाया है उसमें मैं जब भी की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करूंगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा। तो फिर चाहे आप इस ऑब्जेक्ट को बाहर किसी वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ पे वेरिएबल का नाम यूज कर लें, या डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दें। मैंने कहा डायरेक्ट यहीं बनाओ, ज़्यादा लंबी नहीं करो। उसने कहा ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कुछ प्रॉपर्टीज भी पास करनी है जो कि रिक्वायर्ड है। सबसे पहली एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं नेम, कि आप जो इनपुट बॉक्स ऐड कर रहे हैं उसका नाम क्या रखना है भाई। मैंने कहा उसका नाम रखना है फ्रॉम करेंसी, मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा फ्रॉम। उसके बाद मैंने कहा एक अदद मैसेज भी ऐड करेंगे, अब ये मैसेज क्या होता है इसको आगे चल के देखते हैं।
मैसेज लिख रहा हूँ कि इंटर फ्रॉम करेंसी, ये मैंने गलत मैसेज यूजर को दे दिया। अच्छा अब इसको चला के देखते हैं। सबसे पहले अभी तक मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया, इंक्वायरर लिखा उसको डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से, उसके जो भी मेथड थे प्रॉम्प्ट का मेथड उसके थ्रू यहाँ पे मैंने इंक्वायरर को लिख दिया। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो ये कि इंक्वायरर जो भी आउटपुट मुझे रिटर्न करेगा, मिसाल के तौर पे जो भी यूजर का इनपुट मेरे पास आएगा, जो भी यूजर इनपुट बॉक्स के अंदर लिख के मुझे देगा, उसको मैंने कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है। मैंने एक चीज पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी किस्म के डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया आंसर या यूजर आंसर, इस वेरिएबल का मैंने नाम दे दिया, इस वेरिएबल का नाम है यूजर आंसर। जो भी यहां से चीज आएगी वो वेरिएबल आंसर के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। अब इसको चला के देखते हैं एक बार। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ लोग एक बात कर रहे हैं, उस बात पे अमल करने से पहले हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहला काम है हमें इसको ट्रांसपाइल करना है टाइप स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में, तो कर लेते हैं। टीएससी आगे फाइल का नाम, सॉरी टीएस फाइल का नाम। मेरी टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गई। अब मुझे टाइप जावास्क्रिप्ट को चलाना है, तो मैंने लिखा नोड आगे जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम। अब मेरे सामने एक अदद एरर आ गया। क्यों आया ये एरर? अच्छा, ये एरर अवेट का नहीं है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ अवेट, अवेट लगाऊंगा तब मेरे पास एक एरर आ रहा है, लेकिन अगर मैं अवेट हटा दूँ तो मेरे पास ये एरर कुछ और आ रहा है। मैं बताता हूँ कि वो एरर क्या आ रहा है आपके पास। ये देखें सब लोग जो जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या बाद में करेंगे, इसको देखें, जावास्क्रिप्ट की फाइल को अपनी ओपन करके देखें। जो मैंने कोड टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में लिखा था उसका पूरा का पूरा शक्ल या पूरा का पूरा नक्शा बदल के यहाँ पे आ गया है। अगर मैं अपने इस कोड को देखूँ और इसको देखूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई जो मेरा ये कोड था सेम कोड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में आके कन्वर्ट हो गया, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा। तो ये हुआ क्या? एक चीज अज्यूम करते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो मेरी कन्वर्ट हुई है वो काफी पुराने वर्जन में कन्वर्ट हुई है। मुझे कैसे पता चला? यहाँ पे देखें, वेरिएबल आपका लेट से कन्वर्ट होके वार बन गया है। हमें एक चीज पता है कि वार यूज होता था पुराने सदियों में, पुराने जमाने में वार यूज होता था, अब तो मॉडर्न जमाना है लेट यूज होता है। तो मतलब कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड कन्वर्ट हुआ है वो किसी पुराने वर्जन के अंदर कन्वर्ट हुआ है। तो भाई साहब ये तो मसला हो गया। तो इस मसले को रिसॉल्व करने के लिए हमारे पास ts config की फाइल अवेलेबल है। ts config की फाइल ये कहती है कि आप मेरे अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटअप हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन को अपने वर्जन के मुताबिक चेंज करो। मतलब कि जिस जावास्क्रिप्ट वर्जन में आप चाह रहे हैं कन्वर्ट करना उसके मुताबिक ts config की फाइल को चेंज करो। तो टारगेट के अंदर हम आके लिखते हैं ES2022 या जो भी आपने वर्जन लिखना है। मैंने कहा कि 2022 वर्जन में मुझे कन्वर्ट करना है, जावास्क्रिप्ट का जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उसके अंदर कन्वर्ट करना है, या 2022 एक स्टेबल वर्जन है तो उसमें कन्वर्ट करना है। उसी के साथ आपने यहाँ पे मॉड्यूल्स के अंदर कॉमन जेएस को हटा के क्या लिखना है, नोड नेक्स्ट। अच्छा, इसकी डिटेल में भी मैं नहीं जा रहा क्योंकि इसकी डिटेल में जाएंगे तो थोड़ी और चीज़ें निकल के आएंगी। तो यहाँ पे मैंने ये काम कर दिया, ts config फाइल के अंदर आके कुछ चेंजेस कर लिए। सबसे पहले टारगेट को ES2022 कर दिया, मॉड्यूल्स को नोड नेक्स्ट कर दिया, मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी नोड नेक्स्ट कर दिया। अब मैं टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में हूँ, इधर एक एरर आ रहा है, एक यहाँ पे एक एरर आ रहा है। वो एरर इस वजह से आ रहा है कि हमारे पास जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल को चलाने के लिए हमने पैकेज जेसन की फाइल बनाई है, चलाने के लिए नहीं मतलब जावास्क्रिप्ट या नोड जेएस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेटअप की है हमने नोड पैकेज जेसन, हमें वहां पे भी बताना होगा कि भाई साहब हमने मॉड्यूल्स कौन से यूज करना है। मैंने कहा यहाँ पे लिखो टाइप मॉड्यूल्स।
ना आपके सारे के सारे एरर्स चले जाएंगे। अभी भी कुछ एरर आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड एरर आपके पास आएगा, यहाँ पे आपने एक अवेट लगाना होगा। तो इसकी डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं अभी के लिए, बस आप लोग ऐसा समझें कि यूजर हमें जो भी इनपुट देगा, ऐसा तो नहीं है कि हम यूजर से जैसी इनपुट मांगे वो हमें इंस्टेंटली इनपुट दे देगा। हो सकता है वो 2 सेकंड बाद इनपुट का हमें एंटर करके दे, हो सकता है वो थोड़ा डिले करके इनपुट दे, हो सकता है वो चाय पी रहा है, वो कहे चलो थोड़ी देर सब्र करते हैं मैं फ्री हो जाऊँ फिर देता हूँ, तो यूजर तो करेगा वेट। तो हमने अवेट स्टेटमेंट यहाँ पे अवेट कीवर्ड लगाया, तो अब हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड भी यहाँ पे वेट करेगा। वो कह रहा है कि यूजर से अगर आप वेट कर रहे हैं चलो मैं भी वेट कर लेता हूँ, जब तक आप इनपुट नहीं देंगे मैं आगे नहीं जाऊंगा। हमारे कंपाइलर ने जिद पकड़ ली कि जब तक आप वेट करेंगे मैं भी वेट करूंगा, और हमें ये काम चाहिए क्योंकि इनपुट के बगैर हम आगे चल नहीं सकते। अगर यूजर इनपुट ही नहीं देगा तो उसके बगैर, इनपुट के बगैर हमारी एप्लीकेशन में कोई काम हो नहीं सकेगा। तो हमने कहा हम भी यहाँ वेट करते हैं। अच्छा अब इस कोड को चला के देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, इसको क्लियर करते हैं CLS करके, क्लियर स्क्रीन करते हैं और यहाँ पे अपनी कमांड लिखते हैं TSC index.ts। मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ, कुछ लोग क्या पता कुछ नोटिस कर लें। चलें, हमने कमांड लिखी TSC इंडेक्स डॉट TS एंटर मार से। क्या मसला आ रहा है? ये आप लोगों के पास भी एरर आएगा। ये एरर आपके पास इस वजह से आ रहा है कि जब भी आप लिखते हैं TSC, सॉरी हाँ, जब भी आप लिखते हैं TSC आगे फाइल का नाम, तो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर आपकी इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड नहीं करता। ये जो आपकी TS कॉन्फ़िग की फाइल है जिसमें हमने चेंजेस की थी अपने कंपाइलर की, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाइलर ऑप्शंस। जब तक हम TSC आगे फाइल का नाम लिखते हैं हमारा कंपाइलर इस TS कॉन्फ़िग की फाइल को रीड ही नहीं करता। तो मुझे एक बात बताएं, जब तक उस TS कॉन्फ़िग की फाइल को रीड नहीं किया जाएगा तो जो हमारी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि पहले भी हो रही थी उसकी बेस पे ही हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड भी जनरेट हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो जाके जावास्क्रिप्ट की फाइल में देख लें। अच्छा 1 मिनट, सॉरी मैंने एंटर नहीं प्रेस किया। हाँ TSC इंडेक्स डॉट TS एरर आया लेकिन जावास्क्रिप्ट का कोड जनरेट हो गया होगा। ये देखें ये काम तो वही पुराना वाला हो गया जिसकी बेस पे हमें पता है एरर आएगा ही आएगा। तो जब अगर हमें अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीडेबल बनाना है कि हमारा कंपाइलर फाइल को रीड करे, तो उसके लिए हमें TSC के आगे फाइल का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। हमें सिंपल लिखना है TSC और एंटर मारना है। आप TSC लिख के एंटर मारेंगे आपकी फाइल ट्रांसफाइल हो गई जावास्क्रिप्ट में, लेकिन इस बार आपके कंपाइलर ने TS कॉन्फ़िग की फाइल को भी रीड किया, उसकी बेस पे आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल जनरेट की। इसको यकीन नहीं आता तो खोल के देख लें एक बार। ये देखें आपकी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसमें भी तकरीबन सेम कोड है जो आपकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में था। हाँ वो ज़रूर है कि आपकी टाइप्स जो होंगी वो रिमूव होके जावास्क्रिप्ट की फाइल बनेगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट का वर्जन और इम्पोर्ट स्टेटमेंट सारी की सारी सेम ही है। तो कुछ लोग होंगे जिनके पास ये एरर भी आ रहा होगा। तो इसको रिजॉल्व करने का तरीका है कि सिर्फ TSC लिखें, फाइल का नाम आगे से गायब कर दें, हटा दें। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। नोड इंडेक्स डॉट जेस, चला के देखते हैं। अच्छा पूछ लो। अच्छा जी, अब वो मेरे से एक सवाल पूछ रहा है कि इंटर फ्रॉम करेंसी, मतलब के वो करेंसी लिखो जिससे आपने कन्वर्ट करवाना है। मैंने कहा PKR to डॉलर, तो उसने कहा यहाँ पे लिखो PKR। मैंने लिखा PKR, लिख के एंटर मार दिया। आगे हमने कोड में कोई काम किया हुआ भी नहीं था तो वो काम हुआ भी नहीं। ये हमारा वेरिएबल्स के अंदर तो आके स्टोर हो गया है लेकिन
लेकिन इसको हमने कहीं यूज किया नहीं है तो डेफिनेटली हमें कुछ दिखेगा भी नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि मिसाल के तौर पे मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो कंडीशन से चेक करवा रहा हूँ, अपनी एप्लीकेशन में मैं जिस कंडीशन से चेक करवा रहा हूँ वहां पे मैंने पी के आर को कैपिटल में लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि अगर यूजर पी के आर कैपिटल में देगा तभी मैंने कन्वर्ट करवाना है। अब यूजर ठहरा सादा सा बंदा, उसने कहा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पी के आर। ये थोड़ा और सादा ठहरा, उसने कहा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आएगी कि इस कंडीशन की बेस पे मेरी एप्लीकेशन में कोई भी मैंने चेक नहीं लगाएगा, मैंने तो सिर्फ पी के आर में चेक करना है वो भी कैपिटल, तो यहाँ पे एक मसला हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जब जाके देखेंगे डॉलर टू पी के आर जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको वो डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि भाई इन चेक बॉक्स से सिलेक्ट ऑप्शन है आपके पास, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करो। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एप्लीकेशन में भी कोई इस तरीके का काम हो कि एक सिलेक्ट बॉक्स मेरे पास आ जाए जिसमें से मैं अपनी करेंसी सिलेक्ट कर दूँ। तो इसको करने के लिए हमारे पास जो तरीके कार मौजूद है वो है, यहाँ पे आप आए इसकी टाइप डिफाइन करें। मैंने कहा जो भी मेरे पास, अच्छा ये मैं काम गलत फाइल में कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की फाइल में, तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। जावास्क्रिप्ट की फाइल को चेक करने के बाद अगर आपने शॉर्टी लेनी है तो उसको चेक करने के बाद यहाँ से कट कर दिया करें, फिर गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। यहाँ पे आए, यहाँ पे लिखें टाइप, इनपुट बॉक्स की टाइप होगी, वो तो पूछ रहे चेक बॉक्स कंफर्म एडिटर लिस्ट एक्सपेंड इनपुट नंबर पासवर्ड। मैंने कहा मुझे चाहिए लिस्ट, उसने कहा ठीक है। अच्छा अब जैसे ही आप लोग लिस्ट की टाइप इस्तेमाल करते हैं उसी के साथ आपको अपनी चॉइसेस भी बतानी होती है कि कौन कौन सी चॉइसेस आपने यहाँ पे शो करनी है। अच्छा यहाँ पे ना आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैंने कुछ करेंसीज यहाँ पे डमी करेंसीज, डेफिनेटली अभी तो हम रियल टाइम में डेटा ला नहीं रहे, डमी डेटा यहाँ पे मैंने एक अदद ऑब्जेक्ट बना के स्टोर किया हुआ। आप लोग भी ऐसे करते हैं, ये देखो डमी डेटा यहाँ पे मैंने स्टोर किया हुआ है रेट्स नाम का एक अदद ऑब्जेक्ट बना के, इस रेट्स को कन्वर्ट करके करेंसी कर देता है। तो मैंने कुछ इस तरीके से अपना डेटा स्टोर किया हुआ है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने भी सेम काम करना है, एक अदद डेटा स्टोर करना है करेंसीज का। अब यहाँ पे समझने वाली चीज है वो ये है कि यहाँ पे मैंने एक चीज रिमूव की, यहाँ पे लिखा हुआ है बेस करेंसी। इस पॉइंट को समझ लें आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे करेंसी कन्वर्टर से रिलेटेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आप लोग बना ही लेंगे, चॉइसेस के अंदर चॉइसेस भी ऐड कर लेंगे, उसको कंसोल करके प्रिंट भी करवा देंगे, ये काम तो आप लोग खुद भी कर लेंगे। लेकिन जो मेन काम है वो ये है कि आप लोगों ने करेंसी के ऑब्जेक्ट को किस तरीके से सेटअप करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है, मैंने डिफरेंट करेंसीज को स्टोर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी एक अदद बेस करेंसी बनाई हुई है। बेस करेंसी से मुराद ये है कि मैंने अपनी एक ऐसी करेंसी बनाई है जिस करेंसी को यूज करके मैं कन्वर्जन करूंगा, वो मेरी बेस करेंसी होगी। मिसाल के तौर पे मैंने पहले पी के आर को करना है डॉलर में कन्वर्ट, अगर यूजर चाह रहा है कि पी के आर को मुझे पाउंड में कन्वर्ट करवाना है तो मैंने कहा कि पहले पी के आर को डॉलर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि डॉलर टू पी के आर के रेट मुझे पता है, उसके बाद डॉलर को आप लोग पाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना क्योंकि पाउंड्स के रेट भी मुझे पता है डॉलर्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे अपनी बेस करेंसी दे दी यूएसडीटी, उसकी मैंने वैल्यू रख ली 1, मैंने कहा डॉलर 1 डॉलर तो 1 डॉलर के इक्वल होगा। अब आगे चल के मैंने कहा कि यूरो कितने डॉलर्स के इक्वल होगा 1 यूरो, तो गूगल करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने डमी लिखा हुआ है 0.91, मैंने लिखा 0.91 यूरोस का हमारे पास 1 डॉलर बनता है। उसी के साथ साथ मैंने लिखा ये जीबीपी पता नहीं किसकी करेंसी है, गूगल की थी डमी करेंसी मिल गई थी तो यहाँ पे लिख ली जीबीपी, जो भी करेंसी है वो हमारे पास 0.76 GBP 1 डॉलर बनता है। उसी के साथ साथ 74.57 हमारे पास इंडियन रुपीस 1 डॉलर बनते हैं, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान की माशाल्लाह से 280 या 270 पाकिस्तानी रुपीस 1 डॉलर बनते हैं।
तो मतलब पहले मैंने अपनी सारी करेंसीज को डॉलर की बेस पे सेट कर दिया कि मेरी सारी करेंसीज 1 डॉलर में कितनी आ सकती है। पाकिस्तानी रुपीज 280 आ सकते हैं, इंडियन रुपीज 74 आ सकते हैं, GBP 0.76 आ सकते हैं, और यूरो हमारे पास 0.91 आ सकते हैं, और डेफिनेटली USDT 1 ही आएंगे। तो यहाँ पे मैंने बेस करेंसी सेट कर दी। अच्छा, अब ये वाली करेंसीज को ही मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के लिख लेना है। मैंने कहा सबसे पहले आप लिखो USDT, अच्छा कैपिटल में लिख लें USDT, उसके बाद आप लिख लो यहाँ पे यूरो, उसके बाद यहाँ पे आप लिख लो GBP, उसके बाद आप यहाँ पे लिख लो IN, इंडियन रुपीस, उसी के साथ साथ आप यहाँ पे लिख लो PKR, इसको भी इनपुट बॉक्स के अंदर, ओ सॉरी स्ट्रिंग के अंदर लिख लो। मैंने अपनी लिस्ट की चॉइसेस भी यहाँ पे सेट कर दी। अब इसको चला के देखते हैं कि चॉइसेस हमारे पास आ रही हैं या नहीं आ रही। अच्छा, ये मैं दो कमांड को मर्ज करके लिख रहा हूँ, और आई होप ये सिंटेक्स आप लोगों को पता होगा। ये देखें, मेरे सामने एक अदद लिस्ट शो हो गई। वो कह रहा है कि यूज एरो की, वो कह रहा है कि एरो की यूज करके अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर दो। ये देखें, एरो की अप एंड डाउन को यूज करके मैं कोई भी करेंसी को सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी कर दो। मैंने कहा यूरो कर दो, तो देखिए यूरो मेरी करेंसी सिलेक्ट हो गई। तो मुझे एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि यूजर से मैं एक लिस्ट मंगवा रहा हूँ, उस लिस्ट की मदद से मैं करेंसीज को शो कर रहा हूँ, और यूजर उसमें से कोई भी एक अदद करेंसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये आप देख रहे हैं इंटर फ्रॉम करेंसी, ये हमारे पास जो भी मैसेज है वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिए इंटर फ्रॉम करेंसी, इसको मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक ही इंक्वायरर के फंक्शन के अंदर मल्टीपल यूजर से इनपुट लेने का क्या तरीकेकार होता है? क्या करूं, एरे बना दूं? हाँ, आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग इसको कॉपी पेस्ट करें, यूजर आंसर टू, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक ही इंक्वायरर का ऑब्जेक्ट यूज करके मल्टीपल काम कर लो, मुझे बार बार वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं काम करूंगा, यहाँ पे मैं एक अदद न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा। सबसे पहले तो मुझे इसको एक अदद एरे बना के स्टोर करना होगा। जहां पे मैंने कहा एरे बना दिया, अब इस एरे के अंदर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करूंगा, जितने इनपुट बॉक्स चाहिए उतने ऑब्जेक्ट बना के स्टोर कर लूंगा। अब यहाँ पे मुझे सेम नाम का एक और भी चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि सेम हो, इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी, यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट। अब इस फ्रॉम को मैं करके कन्वर्ट कर दूंगा टू के अंदर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू, और करेंसीज तो डेफिनेटली सेम होंगी क्योंकि यहाँ से भी एक करेंसी सिलेक्ट होगी, यहाँ से भी एक करेंसी सिलेक्ट होगी। अब तीसरी चीज भी मुझे यूजर से इनपुट लेनी है, वो क्या होगी? यूजर से तीसरी चीज लेनी है, बिल्कुल, अमाउंट, कि भाई साहब आपने कितनी अमाउंट को कन्वर्ट करवाना है एक करेंसी से दूसरी करेंसी में। तो सेम काम यहाँ पे भी एक लिखें नेम, उस नेम के अंदर लिख लें अमाउंट, उसके अंदर आप लिख लें मैसेज एंटर योर अमाउंट। अच्छा, अब इसकी टाइप ना स्ट्रिंग नहीं होगी, नंबर भी नहीं हो, ओ सॉरी स्ट्रिंग भी नहीं होगी, लिस्ट भी नहीं होगी, इसकी टाइप होगी हमारे पास नंबर। तीन इनपुट बॉक्स हमने सेटअप कर दिए यहाँ पे, इसको चला के देखते हैं कि तीनों इनपुट बॉक्स हमारे से को पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। इसको करते हैं क्लियर स्क्रीन, इसको चला के देखते हैं। हाँ भाई, सबसे पहला सवाल तो आ गया इंटर फ्रॉम करेंसी, मैंने कहा USDT, ये देखें। दूसरा सवाल भी पूछ रहा है इंटर टू करेंसी, मैंने कहा PKR, तो पूछ रहा है इंटर योर अमाउंट, मैंने कहा $100 को कन्वर्ट करना है। तो ये तीनों सवालों के जवाब मैंने दिए, ऑब्वियसली उसके बाद हमने प्रोग्राम में आगे कुछ किया नहीं था, तो आगे कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ। तो यूजर से हमने तीन इनपुट बॉक्स में की मदद से तीनों इनपुट ले लिए, एक फ्रॉम करेंसी ले लिया, एक टू करेंसी ले लिया, एक नंबर करेंसी ले लिया। हाँ जी, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास ये करेंसी सेट
इसका डेटा सारा का सारा मौजूद है। अब यूजर हमें यूएसडीटी भी दे सकता है, यूरो भी दे सकता है, इंडियन रुपीस भी दे सकता है, जीबीपी भी दे सकता है, बीकेआर भी दे सकता है, उसकी मर्जी लिस्ट में जो भी दे। तो हम सबसे पहले काम करते हैं कि यूजर हमें जो भी इनपुट बॉक्स में देगा, इनपुट में यूजर हमें जो भी करेंसी देगा, उस करेंसी की एक अदद अमाउंट यहाँ से हम निकाल देते हैं। सबसे पहले हमारा ये टास्क, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। मैंने कहा लेट फ्रॉम करेंसी या फ्रॉम अमाउंट, इज इक्वल टू, अब मुझे यूजर के इनपुट बॉक्स की बेस पे यूजर के लिए एक अदद करेंसी यहाँ से निकालनी है। सबसे पहले मुझे एक चीज बताएं, क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर है कि हमें अगर यूजर नेम, तो हमारे पास पता है कि सारे के सारे इनपुट बॉक्स के आंसर यहाँ पे आके स्टोर होंगे, तो हम उसको गेट कैसे करेंगे, ये कितनों को पता है? मुझे यूजर नेम के अंदर से फ्रॉम को गेट करना है, टू को गेट करना है, अमाउंट को गेट करना है, तो कैसे करेंगे? डॉट नोटेशन के साथ मैं बताता हूँ ये क्यों करेंगे। देखिए जब भी इंक्वायरर का पैकेज चलता है, ये वाला हमारा का सारा काम एग्जीक्यूट होता है, ये वाला कोड चलता है, तो इंक्वायरर की मदद से, इंक्वायरर हमारे लिए अपने जो भी कोड लिखा हुआ है उसकी मदद से यूजर से सवाल पूछता है। जितने भी सवाल की लिस्ट है उतने सारे के सारे सवाल पूछेगा, वो सारे के सारे सवाल पूछने के बाद हमें यूजर आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर एक अदद ऑब्जेक्ट ला के स्टोर करवा देगा। वो कहेगा कि आपका ऑब्जेक्ट के अंदर पहली प्रॉपर्टी है फ्रॉम, दूसरी है टू, तीसरी है अमाउंट, और इनके अंदर इसकी वैल्यूज आके स्टोर हो जाएंगी जो भी यूजर इनपुट करेगा। इसको एक बार कंसोल करके देख लेते हैं, इसको करते हैं कमेंट, इसको चल के देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक अदद कंसोल, यहाँ पे लिखते हैं यूजर आंसर, कि भैया यूजर ने क्या आंसर किया, इसको कंसोल करके देख लो, इसको चला के देखते हैं। यूजर ने फ्रॉम करेंसी सिलेक्ट की यूएसडीटी, टू करेंसी सिलेक्ट की थी कि यार अमाउंट अपनी डाली 100। ये देखें जब मैंने यूजर आंसर्स को प्रिंट किया या कंसोल किया, तो मेरे पास एक अदद ऑब्जेक्ट आ गया, ये वाला, जिसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले फ्रॉम है, फिर टू है, फिर अमाउंट है। और अच्छा एक चीज गौर करें कि जो भी वैल्यूज हैं वो वही वैल्यूज हैं जो यूजर ने हमें इनपुट में दी हैं। इसको चेंज करके देखते हैं, फ्रॉम करेंसी को जीबीपी करते हैं, टू को यूरो करते हैं, अमाउंट अपनी 200 डाल देते हैं। ये देखें जो भी यूजर हमें इनपुट में दे रहा है उसकी बेस से हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की वैल्यू हर बार अपडेट हो रही है। लेकिन एक चीज गौर करें कि हमारे पास प्रॉपर्टी हर बार सेम ही है, यहाँ पे फ्रॉम है, यहाँ भी फ्रॉम है, यहाँ टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ अमाउंट है, यहाँ भी अमाउंट है, तो ये कैसे सेट हो गई? ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के नेम है या की है, ये हमारे पास सेट हुई हमारे नेम की मदद से। जो भी हम अपने इनपुट बॉक्स के अंदर नेम डिफाइन करते हैं वही हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर सारा का सारा काम आ गया। एक चीज हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए डॉट नोटेशन लगाते हैं, सिंपल बात है। तो अब हमें फ्रॉम अमाउंट को गेट करना है। अगर मैं यहां पे लिखूंगा यूजर आंसर डॉट फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखें कि यूजर आंसर डॉट फ्रॉम करेंगे हमें फ्रॉम वाली करेंसी मिल जाएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी तो हमें सिर्फ फ्रॉम करेंसी मिली है लेकिन हमें उसकी अमाउंट भी तो चेक करनी है कि उस करेंसी की यूएसडीटी के अंदर क्या अमाउंट बन रही है। और एक बात मैंने पहले अर्ज की थी कि हमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। मिसाल के तौर पे मुझे अपनी करेंसी के अंदर से यूजर के इनपुट वाली चीज को एक्सेस करना है, तो मैं डॉट लगा के तो नहीं कर सकता भाई। डॉट लगा के करूंगा मुझे हार्ड कोडेड देना पड़ेगा, योर एक्सेस करना है, इंडियन रुपीस करना है, पीकेआर करना है, यूएसडीटी करना है। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डायनेमिकली एक्सेस करने का क्या तरीका होता है, कौन सी नोटेशन? स्क्वायर नोटेशन। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने अपनी प्रॉपर्टी का नाम देना है। अब प्रॉपर्टी का नाम मैं हार्ड कोडेड तो देने से रहा, क्योंकि हार्ड कोडेड देंगे तो पहले वाला ही काम कर लेते डॉट वाला, हमें ऐसा तो करना नहीं है। हमें करना है जो भी यूजर आंसर डॉट फ्रॉम, यूजर आंसर डॉट फ्रॉम,
ये कहते हैं ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी फ्रॉम, जो भी वैल्यू इस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी उसको हमें गेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर आंसर डॉट फ्रॉम। अच्छा ये एरर वही वाला एरर है तो इसको भी एनी कर देते हैं, मसला नहीं है। यूजर आंसर डॉट फ्रॉम, अब यूजर आंसर डॉट फ्रॉम के अंदर हमें यूजर आंसर फ्रॉम वाला है इस लिस्ट में से कोई भी एक चॉइस मिलेगी। फर्ज कर लेते हैं यूएसडीटी मिलेगा, तो इस यूजर आंसर डॉट फ्रॉम पूरे की जगह पे हमें क्या मिल जाएगा, यूएसडीटी स्ट्रिंग के अंदर। यस पूरे की जगह पे हमारे पास ये आ जाएगा ऐसे। तो ये तो सिंपल हो गया, ऐसे हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास फ्रॉम वाली वैल्यू को हम गेट करेंगे। दूसरा वेरिएबल बनाते हैं टू अमाउंट, सेम काम करेंगे, करेंसी स्क्वायर ब्रैकेट यूजर आंसर डॉट टू। अब इस टू के अंदर भी यूजर जो भी करेंसी सिलेक्ट करेगा, टू करेंसी किस में कन्वर्ट करवाना है, तो या यूएसडीटी आएगा या यूरो आएगा या जीबीपी इन आईएनआर पीकेआर जो भी आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इस पूरी की पूरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की जगह वो आ जाएगा। अगर इसकी जगह वो आएगा तो करेंसी के अंदर से मिसाल के तौर पे पीकेआर सेलेक्ट किया तो पीकेआर की वैल्यू उठ के आ जाएगी। तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसकी वैल्यूज हमारे पास उठ के आएंगी फ्रॉम अमाउंट और टू अमाउंट के अंदर आके सेट हो जाएंगी। इसको एक बार कंसोल करके देख लेते हैं इन दोनों चीज़ों को। कंसोल मैंने किया फ्रॉम अमाउंट, उसके बाद दोबारा कंसोल किया टू अमाउंट और इसको रन करके देखते हैं। हाँ भाई फ्रॉम करना है हमें यूएसडीटी से, टू करना है हमें इंडियन रुपीस के अंदर, अमाउंट हमें डालनी है 200। ये देखें फ्रॉम वाली वन रहेगी क्योंकि यूएसडीटी की क्या वैल्यू है वन, टू वाली रहेगी 74.57 क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडियन रुपीस की वैल्यू क्या है 74.57। तो मतलब ये है कि हमने यूजर के इनपुट की मदद से या यूजर के इनपुट की बेस पे अपनी करेंसी के अंदर से अमाउंट गेट कर ली, हमारा काम यहाँ तक डन हो गया। अब एक और काम कर लेते हैं, अमाउंट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें अब डायरेक्ट यहाँ पे यूजर आंसर डॉट अमाउंट, यूजर जो भी इनपुट देगा उस अमाउंट को भी तो हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना है, तो उसको हम इस तरीके से स्टोर कर लेते हैं। यूजर आंसर डॉट अमाउंट, इसको हमने एक अमाउंट नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, इसको भी कंसोल करके देख लेते हैं अमाउंट, इन तीनों चीजों को एक बार चला के देख लेते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है टू फ्रॉम, सॉरी फ्रॉम मैंने कहा यूरो, टू पी के आर अमाउंट सो, तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसकी बेस पे करेंसी की वैल्यूज मेरे पास उठ के आ गई, यूजर ने जो अमाउंट एंटर की थी वो भी उठ के आ गई। हमारा एक टास्क तो कंप्लीट हो गया, उसमें ये कि यूजर से इनपुट ले लिया और उस इनपुट की बेस पे हमने अपनी करेंसी की वैल्यूज को भी गेट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलते हैं, और आई होप के क्लियर होगा। हमारा पहला काम तो हो गया, एक बार रिपीट कर देते हैं इसे क्योंकि रिपीट के मैसेज आ रहे हैं। हाँ ओकाशा, जी ओकाशा टाइम काफी हो गया, रिपीट में तो वीडियो को ये दोबारा भी देख लेंगे ना, वीडियो चले अवेलेबल ठीक होगी, है नो प्रॉब्लम, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें क्योंकि 12:30 हो चुके हैं ऑलरेडी। चले ठीक है ठीक। अच्छा अब हमारा सेकंड काम है, अब हमें एक और काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, वो काम ये है कि जो भी हमें यूजर ने इनपुट में करेंसी दी है या जो भी अमाउंट दी है, यूजर ने मिसाल के तौर पे हमें इनपुट में दिया है 5,000 पाकिस्तानी रुपीस, यूजर ने हमें ये इनपुट दिया है, क्या दिया है 5,000 पाकिस्तानी रुपीस, सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है अपनी बेस करेंसी के अंदर। साल के तौर पे यहाँ पे लिखते हैं अपनी बेस
एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं बेस अमाउंट इज इक्वल टू। अब जो भी यूजर ने हमें अमाउंट दी है, जो भी हमें यूजर ने अमाउंट दी है, उसको हमें कन्वर्ट करना है बेस अमाउंट के अंदर। बेस करेंसी से मुराद डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना है। ये बात मैंने पहले कही थी कि हमें जो भी यूजर इनपुट में अमाउंट देगा, हमें उसको किसी एक बेस करेंसी बना के उसके अंदर कन्वर्ट करना जरूरी है। तो मैंने कहा कि इस करेंसी को कन्वर्ट कर दो बेस करेंसी के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे चीज गौर करें, गौर करने वाली बात यह है कि जो भी यूजर ने करेंसी ऐड की थी उसकी बेस करेंसी क्या थी। हर करेंसी की बेस करेंसी हमने रखी है यूएसडीटी। उस करेंसी के अगेंस्ट यूएसडीटी जितने भी बन रहे थे, 1 यूएसडीटी के अंदर जितनी भी वो करेंसी आ रही थी, हम उसकी प्राइस यहाँ पे गेट कर ली थी। 1 यूएसडीटी हमने अपनी बेस करेंसी रखी है। तो 1 यूएसडीटी के अंदर जितनी भी ये करेंसीज आती हैं, अगर पाकिस्तानी रुपीज हैं तो वो 280 आते हैं, तो उसको हमने गेट कर लिया था। अब इसको हमें यूजर की अमाउंट को कन्वर्ट करना है बेस करेंसी के अंदर। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रोम अमाउंट। प्रोम अमाउंट से मुराद जो भी यूजर की करेंसी सिलेक्ट की है जिससे उसे कन्वर्ट करवाना है, उसकी हमें डॉलर हमने कन्वर्ट करके रख लिया है। मिसाल के तौर पे मैंने, अच्छा एक बात बताएं, इसको सिंपलीफाई करते हैं, बहुत सिंपल बनाते हैं। मैंने कन्वर्ट करना है पीकेआर टू डॉलर। पीकेआर टू डॉलर कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास पड़े हुए हैं 15,000 पीकेआर। मुझे इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा? पीकेआर को डॉलर में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा? पीकेआर को डॉलर में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा? एक्सचेंज रेट से इसको डिवाइड करूंगा। डॉलर का क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है? 280 पीकेआर की बेस पे। 15,000 पीकेआर को डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 280। अभी आप लोग गौर कर रहे हैं कि 280 यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायनेमिकली गेट कर रहे हैं कि यूजर जो भी अमाउंट लिख रहा है उसकी बेस पे आप लोग बेस करेंसी उठा के लाओ, उसको डॉलर में कन्वर्ट करो। तो हमने उसकी डॉलर की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे सेट की थी, तो यहाँ पे हमने उसको गेट भी कर दिया। तो 280 डायरेक्ट लिखने की बजाय मैंने लिखा फ्रॉम अमाउंट, क्योंकि हर बार पीकेआर को कन्वर्ट नहीं करना होगा, कभी यूरो को भी कन्वर्ट करना होगा, कभी इंडियन रुपीज को भी कन्वर्ट करना होगा। तो इस कोड की मदद से हमारे पास डायनेमिकली डिफरेंट करेंसीज को डॉलर में कन्वर्ट करके फ्रॉम अमाउंट में वैल्यू आती रहेगी। फ्रॉम अमाउंट में हमें एक्सचेंज रेट मिलता रहेगा हर बार डिफरेंट। तो यूजर के अमाउंट को मैंने फ्रॉम अमाउंट के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और सॉरी फ्रॉम अमाउंट से डिवाइड करके बेस करेंसी के अंदर डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे इसको करना है कन्वर्टेड अमाउंट। अब मुझे इसको डॉलर को यूरो के अंदर कन्वर्ट करवाना है, क्या करूंगा? मुझे डॉलर सॉरी डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करना है। मेरे पास डॉलर आ गया है, $500। अब इसको मुझे यूरो में कन्वर्ट करना है। यहां तक तो हमारे पास बेस अमाउंट आ गई। बेस अमाउंट क्या होगी? डॉलर के अंदर यहां पे लिख लेते हैं। बेस करेंसी में हमने कन्वर्ट कर लिया, और बेस करेंसी में कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हर बार यूजर डिफरेंट करेंसीज को कन्वर्ट करेगा, तो हमने अपनी एक बेस करेंसी बना दी। सबसे पहले हमने यूजर के अमाउंट को बेस करेंसी में कन्वर्ट कर लिया, उसका एक्सचेंज रेट हमने इसकी मदद से उठा के लिया है, डॉलर हमारे पास आ गया। अब इस डॉलर को हमें यूरो में कन्वर्ट करना है। पीकेआर टू डॉलर हमारा, और सॉरी पीकेआर टू यूरो हमारा टारगेट था। पीकेआर टू डॉलर तो हमने कन्वर्ट कर लिया, पीकेआर को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। अब इस डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करवाना है, तो मैं करूंगा बेस अमाउंट, जो भी मेरे पास बेस अमाउंट आई है, बेस अमाउंट से मुराद कितने डॉलर आए हैं। यहाँ पे मेरे पास मिसाल के तौर पे आ गया है, अगर 1500 को करना है या 1000 को करना है, तो मेरे पास $4 आ गए। अब इस $4 को मैंने कन्वर्ट करना है यूरो के अंदर, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 अमाउंट के अंदर। 2 अमाउंट भी मेरे पास एक्सचेंज रेट आएगा उस करेंसी का जिसके अंदर मैंने कन्वर्ट करवाना है। बेस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 2 अमाउंट। तो एक छोटा सा एक फॉर्मूला ही कह लें इसको,
अब इसको कंसोल करके देखते हैं कन्वर्टेड अमाउंट को। अच्छा मुझे एक चीज थोड़ी सी, इस चीज का एहसास है कि थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें। एक तो ये दो चीजें नई आई हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यू गेट करना, और एक ये फॉर्मूला। अच्छा ये फॉर्मूला जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि अगर एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना है, एक तो तरीका ये है कि हम हार्ड कोडेड उसके एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हमें उसका एक्सचेंज रेट नहीं पता, या मिसाल के तौर पे हमें यही नहीं पता कि किस करेंसी से किस में कन्वर्ट करना है, तो हम यूज़र पे छोड़ लेते हैं, वो जो भी इनपुट देगा। यूज़र कोई भी इनपुट दे, हमें उसको पहले एक बेस करेंसी बनानी है, उसमें कन्वर्ट करना है। आप लोग बेस करेंसी पीकेआर को भी बना सकते हैं, बेस करेंसी यूरो को भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन फिर उसकी बेस पे आप लोगों ने इन वैल्यूज को भी सेट करना होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको चला के देखते हैं, हमारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट रेडी है। इसको सबसे पहले करते हैं क्लियर। अब इसको चला के देखते हैं। मैंने कहा भाई मुझे कन्वर्ट करना है यूरो से पीकेआर के अंदर, और मुझे 5 यूरो कन्वर्ट करवाना है। तो ये देखें मेरे पास 5 यूरो इसके अंदर कन्वर्ट होके आ गए। अच्छा ये पॉइंट के बाद इतने सारे नंबर आ रहे हैं, इसको कंट्रोल करने का एक तरीका है, वो बताता हूँ। अभी के लिए खाली एप्लीकेशन की एक्यूरेसी चेक करें। मैंने कहा मुझे करने हैं इस बार पीकेआर से डॉलर में कन्वर्ट, तो मुझे करने हैं अपने 1000 या 500 पीकेआर को कन्वर्ट करवाना है। ये देखें 1.7 डॉलर, मेरी एप्लीकेशन रेडी हो गई है। एक बार दोबारा चला के देखते हैं। मैंने कहा भाई साहब मुझे करना है USDT या यूरो से पीकेआर में कन्वर्ट करना है, मेरे पास पड़े हुए हैं 1000 यूरो, तो कितने बन रहे हैं, 30,000 रुपये बन रहे हैं पाकिस्तानी। तो ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट। ये जो पॉइंट के बाद इतने सारे नंबर आ रहे हैं, इसको कंट्रोल करने का हमारे पास कुछ तरीके कार मौजूद हैं, लेकिन अभी के लिए उसको इग्नोर करें। आप लोग इसको खुद चेक करना कि पॉइंट के बाद डिजिट को कंट्रोल करने के लिए जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं। अभी के लिए हमारा काम ऑलमोस्ट डन हो गया। भाषा कंक्लूड कर ले, और कोई अगर आपका असाइनमेंट देना है तो वो दे, और नहीं फिर नहीं हम इसको एक बार सेशन रिवाइज कर ठीक लेते हैं दोबारा से, ठंडे दिमाग के साथ है। एक बार दोबारा से लेके चलते। अच्छा सबसे पहले हमने इंक्वायरर का पैकेज इंपोर्ट किया ऊपर, उसके बाद हमारा सेकंड काम था कि अपनी एक बेस करेंसी बना के उसकी बेस पे सारी करेंसीज को सेट करना। और ये क्यों है ज़रूरी, इसका आगे आप लोगों ने यूज केस देख लिया, इसको हम दोबारा एक बार देख लेंगे। हमने सबसे पहले अपनी एक बनाई बेस करेंसी, हमने कहा कि USDT को डॉलर को आप लोग बेस करेंसी बना दो। 1 डॉलर हमने यहाँ पे सेट कर लिया, हमारी एक बेस करेंसी सेट हो गई। 1 डॉलर 1 डॉलर के ही इक्वल होते हैं, हमें पता है, हर किसी को पता है। उसके बाद हमने कहा कि यूरो कितने यूरो 1 डॉलर के इक्वल होते हैं, हमने कहा भाई 0.91 यूरो 1 डॉलर के इक्वल। इसी तरीके से आगे चल के हमने पीकेआर को भी कहा कि कितने पीकेआर 1 डॉलर के इक्वल होते हैं, हमने कहा 280 पीकेआर होते हैं। हमारी बेस करेंसी सेट हो गई, उसकी बेस पे हमने वैल्यूज को भी सेट कर लिया। और आप लोगों की मर्जी है बेस करेंसी पीकेआर को बनाए, इंडियन रुपीस को बनाए, यूरो को बनाए, जिसको बनाए, लेकिन फिर उसी की बेस पे सारी करेंसीज को सेट करना होगा। उसके बाद हमने यूजर से 3 इनपुट ले लिए इस तरीके से। ये वाला काम आप लोग पिछली क्लासेस में बार बार करते रहे हैं, तो अगर इसको हम हटा दें, इन दो चीजों को हम रिमूव कर दें मिसाल के तौर पे, तो हमारा जो एक्चुअल कोड है वो है 5 से 6 लाइनों का, 5 लाइनों का, छठी में फिर कंसोल हो रहा है, 1 2 3 4 5, जिसमें से अमाउंट वाले के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू को ग्रैब करके एक न्यू वेरिएबल में स्टोर किया। एक्चुअल जो हमारा काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 4 लाइनों के अंदर हो रहा है। इसकी मदद से हम लोग यूजर से इनपुट की वैल्यू गेट कर लेंगे 3 इनपुट की। उसके बाद हम लोग असल काम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने कहा कि यूजर जो भी आपको करेंसी दे रहा है, चाहे यूजर इंडियन रुपीस दे रहा है, डॉलर दे रहा है, पीकेआर दे रहा है, यूरो दे रहा है, जीबीपी दे रहा है, जो भी दे रहा है, उसकी अमाउंट उठा के ले आओ कि कितने बनते हैं वो डॉलर। ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग इस तरीके से उठा के ले आए,
अच्छा एक और बात आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि ये वाली जो मैंने अप्रोच यूज की है, ये इस अप्रोच को हम कहते हैं डायनेमिक अप्रोच। इससे बचने के लिए आप लोग एक और अप्रोच यूज कर सकते हैं इफ की कंडीशन लगा के। इफ यूजर आंसर डॉट फ्रॉम अगर USDT के इक्वल है तो आप लोग फ्रॉम अमाउंट को अपडेट करके इसके अंदर 1 ऐड कर दो। अगर USDT के इक्वल है तो ये कर दो, PKR के इक्वल है तो ये कर दो, इसके इक्वल है तो ये कर दो, इसके इक्वल है तो ये कर दो। तो ये सारे के सारे काम आपको कंडीशनली चेक करने पड़ते हैं। अभी के लिए तो हमारे पास 5 करेंसीज हैं। अब गूगल पे आप लोग जाएं, आपके पास 100 150 करेंसीज जितनी भी है सारी मौजूद होंगी। तो इसके लिए हमने जो अप्रोच यूज की है वो हमने डायनेमिक अप्रोच यूज की है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसकी मदद से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू को गेट करेंगे स्क्वायर एनोटेशन की मदद से। यहाँ पे हम लोग इसकी मदद से यूजर के इनपुट की करेंसी जो भी होगी उसकी बेस करेंसी के अंदर कन्वर्टेड वैल्यू को गेट कर लेंगे। यहाँ पे भी हम लोग उसकी करेंसी गेट कर लेंगे, इसको हम बेसिकली कहेंगे एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, ये दोनों के हमने एक्सचेंज रेट यहाँ पे गेट कर लिए। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है और यहाँ पे तो हमने कुछ भी नहीं किया, ये वाला काम सबसे आसान है। यूजर की अमाउंट जो भी इनपुट की थी उसको गेट करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब जो ये वाला काम है ये कदर फॉर्मूले के तहत हो रहा है कि अगर आपने एक अमाउंट को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करवाना है तो उसके एक्सचेंज रेट से उसको डिवाइड कर दो। PKR को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो PKR के एक्सचेंज रेट को डॉलर का जो भी एक्सचेंज रेट होगा उससे डिवाइड करवा दो। 1000 PKR को डॉलर में कन्वर्ट करना है, 1000 को 80 से डिवाइड करवा दो। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करवाना है तो 74.54 से उसको डिवाइड करवा दो। तो अगर इस तरीके से हम करेंगे हमारे पास हमारे डॉलर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास 4 डॉलर आ गए। अब डॉलर को हमने कन्वर्ट करना है अपनी टू वाली करेंसी के अंदर, जिस करेंसी में हम लोग कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। 4 डॉलर हैं, इसको यूरो में कन्वर्ट करवाना है तो 4 को यूरो के एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। डॉलर और यूरो का जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा, मैं क्या पता क्या चल रहा है, हम ऑब्जेक्ट की मदद से उठा के ले आएंगे डायनेमिकली। तो हमारे पास यहाँ पे टू अमाउंट के अंदर एक्सचेंज रेट आ जाएगा, बेस अमाउंट के अंदर हमारे पास बेस डॉलर आ जाएंगे। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कन्वर्टेड अमाउंट आ जाएगी, उस कन्वर्टेड अमाउंट को जब हम कंसोल करेंगे तो हमारे पास हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ जाएगा। इसको एक बार दोबारा रन करके देखते हैं फिर क्लास एंड करते हैं। मैंने कहा भाई यूरो को कन्वर्ट या PKR को कन्वर्ट करवाना है USDT के अंदर, 1500 PKR को कन्वर्ट करना है USDT के अंदर, 5.3 डॉलर बन रहे हैं ये टोटल। अच्छा सर ये क्लियर है चीजें, आई होप कि क्लियर हो गई होंगी। अगर क्वेश्चन लेने हैं टाइम है तो बता दें, क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ सर, 5 मिनट में ले लें जो क्वेश्चन लेने हैं, मैं एक आधा कोई चले आपको बेहतर 5 मिनट लगता। के अंदर ले लो। तो आप खुद से माइक म्यूट कर दें जिसको अनम्यूट करना चाहें, या वो कमेंट पढ़ के देने तो आप बेहतर। चले मैं कर लेता। अच्छा हैंड रेस कर लें जिनके क्वेश्चन है। मैं अब्दुल लतीफ आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब्दुल लतीफ, अस्सलाम। अच्छा मुझे वालेकुम ये सलाम। पूछना था कि जो सबसे पहले आपने थोड़ा सा ऊपर करेंगे, एक चीज बिल्कुल टॉप पे आ जाए जो आपने करेंसी। हाँ तो USD 1 डॉलर लिखे, तो इसका मतलब ये मैं जो समझाऊं कि एक डॉलर जो है वो 0.91 यूरो के बराबर है और पाउंड जो है 0.76 बराबर है, यही है ना? अच्छा बिल्कुल यही है। सिंपल देखिए हमने एक बेस करेंसी बना दी क्योंकि हमें सबसे पहले अपनी अमाउंट को बेस करेंसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि यूजर किस करेंसी से किस करेंसी के अंदर कन्वर्ट करवाना चाह रहा है। हाँ अगर हमें ये पता होता कि किस करेंसी से किस करेंसी में कन्वर्ट करवाना है तो सिंपली फंडा था, फिर तो कोई मसला ही नहीं था। हम लोग उसकी अमाउंट को उस डिजायर्ड करेंसी से मल्टीप्लाई करवा देते, हमारा काम हो जाता। लेकिन अभी हमें नहीं पता तो इसलिए हमने बीच में एक अदद अपनी बेस करेंसी सेट कर दी। उस बेस करेंसी में सबसे पहले हम अपनी अमाउंट को कन्वर्ट करवाएंगे। अब हमें पता है कि डॉलर के अंदर हमारी अमाउंट आके कन्वर्ट हो गई है। इस फॉर्मूले के तहत हमने अपनी अमाउंट को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे बताएं डॉलर टू PKR जाना या डॉलर टू यूरो जाना कुछ मुश्किल है? हम उसके एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा।
क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, दो क्वेश्चन। अच्छा, मलीहा हारून, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा सर, आप अनम्यूट कर दें, मेरे पास आई थिंक जी काशन मगर मलीहा मलिहा तो अच्छा आप हैंड जेस्ट कर दें, बताओगे। गलती से आपको लोअर हैंड हो गया था, तो या किसी को और कर ले लेगा इससे। ये अनिश्मा है, अनिश्मा को अनम्यूट करते जी हैं। करें, अनम्यूट करें। अनिश्मा, ये जवेरिया अनिश्मा, जवेरिया शेख। भाषा वाला मेरी जी आवाज आ रही है? वालेकुम जी सलाम। जी, सर, मुझे लास्ट से समझ नहीं आया। तो क्या चीज समझ नहीं आई? अच्छा, बेसमान से बात से तो आपने किया, नीचे लाइन कोडिंग से थोड़ा सा। सर, कहाँ से समझ नहीं आपको? यहाँ से जब हमने लेट एक वेरिएबल बनाया बेस अमाउंट का, और इसमें हमने अमाउंट को जो है सम अमाउंट के साथ डिवाइड कर दिया। बिल्कुल। उसके बाद अच्छा, ये अच्छा देखें, एक बार इसको मैं फिर रिपीट कर लेता हूँ, जी वैसे आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। इसको आपने 2-3 बार रिकॉर्डिंग को देखना होगा, क्योंकि ये चीज़, ये वाला फॉर्मूला, अगर सही सी बताऊँ तो ये पहले मुझे भी नहीं आ रही थी समझ, जब जिस वक्त मैं ये असाइनमेंट बना रहा था अपने, तो मैंने गूगल पर जाके देख लिया कि एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या ट्रिक यूज होगी। तो ट्रिक हमारे पास कुछ ऐसी है कि अगर हमें नहीं पता कि किस करेंसी से किस करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो हम एक काम करते हैं, पहले यूजर की एक अमाउंट को अपनी एक बेस करेंसी बना के उसमें कन्वर्ट करवा लेते हैं। इस केस में हमने यूएसडीटी को सिलेक्ट किया, हमने कहा कि यूजर की जो भी अमाउंट आ रही है, यूजर जितनी भी अमाउंट दे रहा है, 1000 PKR दे रहा है, 1000 यूरो दे रहा है, जो भी दे रहा है, उसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करो यूएसडीटी के अंदर। अगर यूजर आपको 1000 PKR दे रहा है, तो उस 1000 PKR को सबसे पहले आप लोग डॉलर के अंदर कन्वर्ट करवाओ। ऐसा ही है। अब जब PKR आपके डॉलर में कन्वर्ट हो गए, तो वो 4, 5, 3 जितने भी बनेंगे, अब हमारे पास डॉलर की अमाउंट आ गई, एक बेस करेंसी में हमारे पास वैल्यू आ गई। अब उस बेस करेंसी की बेस पे हमने जो भी कन्वर्ट करने वाली करेंसी है, यानी जिस करेंसी में कन्वर्ट करवाना है, उसके एक्सचेंज रेट से हम डॉलर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास हमारा आउटपुट आ जाएगा। 4 डॉलर को अगर हम जी यूरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यूरो के एक्सचेंज रेट से, ये देखें ये एक्सचेंज रेट हमने सेट किए हैं सारे डॉलर की बेस पे, यूरो के अगर हम एक्सचेंज रेट से डॉलर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जितना भी एक्सचेंज रेट बन रहे उसमें हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। सर, तो अच्छा, इसको आप लोग एक सर जी बेस जी अमाउंट पूछिए, में जो बेस है उसमें कोई भी अमाउंट रख सकते हैं अपनी मर्जी से, या आप इसके अंदर कुछ भी बनी अमाउंट डाल सकती हैं, अपनी मर्जी की अमाउंट, अपनी मर्जी की करेंसी ऐड कर सकती हैं। इसको डायनेमिक बनाने का एक फायदा ये हुआ हमारे पास, अब हमें अगर अच्छा, ये आपका प्रोग्राम और भी डायनेमिक बन सकता है, इसके अंदर हम चॉइसेस के अंदर इसको और डायनेमिक बना सकते हैं, वो आप लोगों का होमवर्क है कैसे बनाएंगे। इसके अंदर अगर कल को चल के मुझे आगे कोई और करेंसी ऐड करनी है, मिसाल के तौर पर मुझे दिनार ऐड करना है, तो दिनार का एक्सचेंज रेट मैं डॉलर के अंदर लिख लूंगा, जो भी बन रहा है मिसाल के तौर पर 40 बन रहा है, तो अब मैंने यहाँ पे चेंज किया और यहाँ पे मैं ऑप्शन में भी ऐड कर दूंगा, यहाँ पे भी मैं ऑप्शन में ऐड कर दूंगा, और मुझे अपने किसी भी कोड को छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ये काम करूंगा और यहाँ पे अपने एक्सचेंज रेट ऐड करता जाऊंगा। मेरी एप्लीकेशन डायनेमिक है। क्यों डायनेमिक है? क्योंकि हम लोग जो भी एक्सचेंज रेट को गेट कर रहे हैं, वो हम डायनेमिकली कर रहे हैं, और डायनेमिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी गेट करने का तरीका मैंने स्टार्ट में बताया था, तो ये तरीका हमारे पास। जी इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसके बगैर ये समझ नहीं आएगा, 1-2 बार करें, 3 बार करें, इस फॉर्मूले को बार बार पढ़ें, खुद रीड करें एक बार, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं, देन क्लास को एंड करें। अच्छा, सैयद अमार खान, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, अमार को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, खुद म्यूट कर रहे हैं, तो परवेज अहमद, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सेक्शन तो माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त अच्छा गया है, बस ये थोड़ा सा डायनेमिक में कंफ्यूजन है, वो थोड़ा सा गाइड कर, क्योंकि ये अगर लेट सपोज हम इफ एल्स से करते तो इजी होता, लेंथी हो जाता, हाँ लेकिन बिल्कुल। इजी आई थिंक वहां पे रहता, क्योंकि अच्छा वो देखिए इफ आपको एक एल की चीज सारी बताओ, कंडीशन सारे घबराता हूँ मामला जी, वो ऑलमोस्ट क्लियर है, यहाँ पे तो कितनी इस करेंसीज हवाले आ से रही मैं हैं? कहना चाह रहा हूँ क्या हम इफ एल से करें बिल्कुल तो कर सकते हैं, सिर्फ बिल्कुल कर सकते हैं, लेंथी लेकिन होगा लेकिन फिर। लेकिन ये डायनेमिक अप्रोच मैंने इसलिए यूज की है कि मिसाल के तौर पे अभी तो 5 करेंसीज हाँ हैं, कल पांच को चल के 20, 100, 200 सारी करेंसीज आ गई। अब मुझे हर करेंसी की बेस पे कंडीशन लगानी होगी कि अगर यूजर की टू अमाउंट ये है तो इसका एक्सचेंज रेट उठा के लाओ, अगर यूजर की टू अमाउंट ये है तो इसका एक्सचेंज रेट उठा के लाओ। इसी तरीके से फ्रॉम के लिए भी लगानी होगी कि अगर यूजर की फ्रॉम अमाउंट ये है तो ये वाली करेंसी उठा के लाओ, अगर यूजर की फ्रॉम अमाउंट या फ्रॉम करेंसी ये है तो इसका एक्सचेंज रेट उठा के लाओ। तो पूरी की पूरी करेंसी मुझे लगानी पड़ी, यहाँ पे पूरा का पूरा काम मुझे एफएल्स की मदद से करना पड़ता। तो ये जो मैंने काम किया है ये एक अदद बेस्ट बेस्ट अप्रोच है इस चीज को करने की। अभी आपका 5 लाइनों के अंदर पूरा का पूरा काम हो गया। हाँ मैं मानता हूँ कि ये वाली जो चीज है ये थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन इस चीज को आप लोग प्रैक्टिस करें आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। ये एक बार दोबारा अच्छा रिवाइज कर लेता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ कि ये जो अप्रोच है ऑब्जेक्ट सर की एक डायनेमिक वैल्यू को गाइड करने की है, डायनेमिकली ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को गाइड करने सर के लिए हम ये एक वाली चीज बस अप्रोच। ये गाइड कर लें, लाइन नंबर लाइन नंबर सर ये लाइन नंबर 33 में लेट फ्रॉम अमाउंट इज इक्वल कहाँ 33 थर्टी कौन 33? ओके ये फ्रॉम अमाउंट इज इक्वल टू करेंसी, तो ये करेंसी का नाम मेंशन करना क्या लाजमी है, इसके जगह आप कोई हाँ और देखें या देखें मैं आपको खाली एक बात बता दूं, देखें यूजर अमाउंट डॉट अगर हम सिर्फ फ्रॉम करेंगे तो हमें यूजर की करेंसी मिल जाएगी कि किस करेंसी से कन्वर्ट करवाना है, हमें उस करेंसी का एक्सचेंज रेट भी तो चाहिए। यूजर आंसर डॉट फ्रॉम के अंदर हमें यूजर की डिजायर करेंसी मिल जाएगी, यूएसडीटी होगी, यूरो मतलब होगी, पीटीआर हमने समझ गया, होगी, जो भी मतलब होगी। आपका ना मैं क्या मतलब इसी लाइन में वो अमाउंट भी ले रहा है डॉलर की बिल्कुल कंडीशन ऐसा भी ही, और बिल्कुल कन्वर्ट भी ऐसा ही कर हो रहा रहा है, है हाथ के हाथ। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इसी लाइन के सही अंदर है हम लोग यूजर आंसर डॉट फ्रॉम के अंदर से उसकी इनपुट के आंसर को भी गेट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें सही। उसका इनपुट का आंसर मिल जाएगा हाँ और बिल्कुल ये उसी मैं आंसर को हम लोग करेंसी के अंदर जाके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को भी गेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी गेट कर रहे हैं जो तो कि उसका बिल्कुल एक्सचेंज रेट सही। हो। ठीक, मैं मैसेज पढ़ रहा था, सबके सवाल ऑलमोस्ट यही थे कि ये करेंसी हाँ क्यों आ गई, करेंसी का क्या काम अच्छा है, देखिए मतलब ये वाली ये जो चीज है ना ये मैंने आप अच्छा इसको अगर आप लोगों ने थोड़ा सा सिंपल करना है तो इसको ये कर सकते हैं, यू लेट यूजर फ्रॉम करेंसी इज इक्वल टू, इसको यहां से करें कॉपी, लेट यूजर टू करेंसी इज इक्वल टू कर दें टू, यहां पे लिख लें यूजर फ्रॉम करेंसी, यहां पे लिख लें इसको पूरे के पूरे कट करके लिख लें यूजर सॉरी यूजर टू करेंसी। अब यहां पे ठीक आपके पता है आपके पास यूजर इनपुट जो भी करेगा वो करेंसी उठ के आ जाएगी, यहाँ पे भी जो भी यूजर इनपुट करेगा उस करेंसी का नाम उठ के आ जाएगा, इसको हमने वेरिएबल में सही स्टोर कर दिया। सही अब इस वेरिएबल की मदद से हम लोग हमें पता है इस वेरिएबल के अंदर या यूएसडीटी आएगा या यूरो आएगा या पीकेआर आएगा या इंडियन रुपीज आएगा जो भी आएगा अच्छा हमें पता है सर यही आएगा। लास्ट अच्छा सर सही गुड हो गया। लास्ट सवाल ऊपर करना को उसके, जो हमने करेंसी का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जी जी यस वैल्यू फिक्स बिल्कुल दी हुई हाँ है बिल्कुल, ये अभी मैं यूएसडी अभी के लिए डॉलर। फिक्स दी है, अभी के लिए फिक्स दी है क्योंकि अभी एपीआई का एक कॉन्सेप्ट लगेगा जिसमें हम डायनेमिक डेटा को गेट करेंगे सर्वर से, तो वो थोड़ा सा वो बताने का फायदा बिल्कुल नहीं अभी क्योंकि वो थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो एडवांस कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए समझे कि सर हमारा मैं डेटाबेस है यहाँ पे एक हमने चीज सारे ऐड करना चाह एक्सचेंज रेट सेट किए हैं। सही क्लियर है नहीं आपका? तो सर ये रेट हम इंक्वायरी से ले सकता है ना, हो सकता है डेली बेसिस पे रेट चेंज हो रहे हो। नहीं, देखिए इंक्वायरी में हम लोग ये नहीं ले सकते क्योंकि अगर यूजर को पता है कि ये इसके इक्वल है तो उससे खुद ही मल्टीप्लाई करके कर लेगा,
यूजर हमें क्यों इनपुट देगा एक्सचेंज रेट। हम गूगल पे जाएं, यहाँ पे डॉलर टू पी के आर में मैं डॉलर की अमाउंट लिख रहा हूँ, $2 को पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैं उसका एक्सचेंज रेट तो नहीं बता रहा, वो तो मुझे गूगल बता रहा है कि कितना एक्सचेंज रेट बन रहा है। तो एक्सचेंज रेट हमारे सिस्टम में ही होगा, हम यूजर से इनपुट नहीं लेंगे। हाँ ठीक है तो काशा, चलें ऐसे क्लास को ऑन वाइंड करें। अप ठीक करते हैं। है, थैंक यू काशा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।